पिछले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का कुछ पार्ट कवर कर चुके थे। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 का जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है और चैप्टर नंबर 4 को कवर कर लेंगे। जहां हमने पिछले में पढ़ा था सोलर रेडिएशन, और ये भी आपको पता है कि कोई भी फैक्टर है उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड करके करते हैं। एक उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसको यहाँ स्टडी नहीं करना है, इसे अपना जो जनरल ज्योग्राफी वाला जो पार्ट होता है अपना जनरल स्टडी में उसी में कर लिया जाता है, यहाँ का पर रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड जो पार्ट है एप्लीकेशन वाला पार्ट, अपने जो अगले 2-3 चैप्टर हैं वो ये हर फैक्टर के एप्लीकेशन पार्ट पे ही घूमेंगे, क्योंकि यही है जिस पे अपने क्वेश्चन आते हैं। थर्ड जो अडेप्टेशन वाला पार्ट है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर बना रखा है, चैप्टर नंबर 10 है आपके नोट्स में, उसमें स्टडी करेंगे, क्योंकि अलग अलग करके कोई बकैती इकट्ठा हो जाती है तो दिमाग खराब होता है, इसलिए एक साइड ही करना ज़्यादा बेटर होता है। तो जैसे हमने सोलर रेडिएशन है इसी ये तीन पिलर पर हम अपने सोलर रेडिएशन को स्टडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेंगे उसे रिव्यू टाइप का। अपने जो रिमेनिंग है उसमें जैसे अपना टेम्परेचर बचा था जिसे इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, इसके अलावा अपना टेम्परेचर के अलावा जो विंड आएगा और फ्लड वगैरह है उससे रिलेटेड इशू इसमें डिस्कस कर लेंगे आगे। अब जैसे कि अपना टेम्परेचर है वही 3 पिलर है, कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट। अब कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे कि डायरनल और सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन होता है, या टेम्परेचर जो जोन्स हैं जैसे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन है, ये जियोग्राफी में आप वैसे भी पढ़ लोगे और आपको वैसे भी पता है कि टेम्परेचर कैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ कैसे चेंज होता है, अल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरिएशन आता है। जो टेम्परेचर वेरिएशन है जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया है दिल्ली है, तो दिल्ली में सर्दी और गर्मियों के बीच में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में जहाँ यहाँ 5 डिग्री तक पहुँच रहा है या 4 डिग्री तक पहुँच रहा है, और गर्मियों में यहाँ पर टेम्परेचर 48 या 45 डिग्री पहुँच रहा है, तो अगर मिनिमम 5 ले लो और मैक्सिमम 45 ले लो तो यहाँ जो एवरेज टेम्परेचर वेरिएशन है वो 40 डिग्री का कवर हो रहा है। जबकि जो मुंबई है अपना, मुंबई में टेम्परेचर वेरिएशन मुश्किल से हार्डली 5 से 10 डिग्री का ही वेरिएट करता है। तो कैसे समुद्र से डिस्टेंस है वो टेम्परेचर वेरिएशन उस पर भी डिपेंड करता है, माउंटेन के अरेंजमेंट वगैरह पे भी है। एक जस्ट एक एग्जांपल है, आपको पता है कि सर्दियां हैं, अभी सर्दियों में जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में दर सर्दी पड़ रही होती है, लेकिन यही यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में दर सर्दी पड़ रही होगी, लेकिन वहीं ये जो अपना हिमालय है शिवालिक, ठीक है, ये पूरा यूपी बिहार है जो अपना दिल्ली वाला है, यहाँ पर कोहरा जिसे हम बोलते हैं वो दर पड़ रहा होगा, लेकिन ये जो अपना देहरादून है यहाँ पर कभी जो कोहरा है या फ्रॉस्ट है इस टाइप की कंडीशन बहुत आसानी से नहीं पड़ती, वहाँ आसमान क्लियर रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ विंड घुस रही होती है, ये जो कोल्ड विंड है, जो साइबेरियन या पोलर जो इफेक्ट है, वो विंड यहाँ से इंटर कर रही होती है अपने में, तो ये जो देहरादून वाला वैली रीजन है ये जो अपनी शिवालिक रेंज है उससे बच जाता है। तो इस टाइप से माउंटेन का जो है वो वेरिएशन का इम्पैक्ट देता है उस पर। अब अपना मुद्दा जो है इम्पोर्टेंस टेम्परेचर का, वो अपन वहाँ पर देख चुके थे इम्पोर्टेंस कौन कौन सा था, जैसे कि कार्डिनल टेम्परेचर बताया था सीड के जर्मिनेशन के लिए, ये कार्डिनल टेम्परेचर था और इसका इम्पैक्ट देख लिया था सीड के जर्मिनेशन पर। दूसरा हमने यहाँ पर ग्राफ में समझ लिया था कि कैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की रेट जो है वो टेम्परेचर से वेरिएट करती है। हमने वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो चीज़ें थी उन्हें देख लिया था, एंजाइमेटिक एक्टिविटी देख रही थी, और ये देख लिया था कि कैसे कोल्ड एरिया में यानी कि जैसे चीज़ पॉइंट फॉरेस्ट है वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर हद से ज़्यादा डिपॉजिट हो रखा होता है। रीजन क्यों है? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर डाउन होने की वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो होती है और ऑर्गेनिज्म भी कम है। वहीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे एरिया में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इतनी ज़्यादा एंजाइमेटिक और ऑर्गेनिक मींस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ आपको जो लीफ लेटर है वो लगभग मिलता ही नहीं है। तो ये टेम्परेचर को हम ऊपर नीचे करके यहाँ देख चुके थे। इसके अलावा हमने ये देख लिया था कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग इन चीज़ों को इफेक्ट कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज, और यही ये भी देख लिया था कि जब ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज इनको इफेक्ट कर रही तो कैसे ये वेजिटेशन में शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्ट हो रहा है उस टाइम को।
तो यहाँ पर अपना ये वाला पिलर जो इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर है वो खुल चुका था। अब मेन मुद्दा था अपना यहाँ पर, वो था टेम्परेचर का इफेक्ट, ये हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है या हमारी फॉरेस्ट वेजिटेशन को कैसे इफेक्ट कर रहा है। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो देखो टेम्परेचर दोनों ही होगा, हाई टेम्परेचर भी हो गया और लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर के केस में एक तो जहाँ कुछ एरिया है जहाँ फ्रॉस्ट पड़ जाता है और कुछ में है स्नोफॉल। देखो स्नोफॉल जैसे पूरा पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन में तो स्नोफॉल तो होगा नहीं लेकिन यहाँ फ्रॉस्ट पड़ जाती है। दूसरा जो अपने हिमालय के जो मिडिल और जो ग्रेटर हिमालय वाला रीजन है वहाँ फ्रॉस्ट जैसी कंडीशन का कोई इशू नहीं बनता, वहाँ तो सीधा सीधा स्नोफॉल ही हो जाता है। मतलब फ्रॉस्ट वहाँ भी है लेकिन मेरा कहने का मतलब है स्नोमैन इफेक्टिव फैक्टर है वहाँ। तो यहाँ पर हम हाई और लो टेम्परेचर दोनों ही को देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हाई टेम्परेचर। अब अगर एक लिमिट से ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर अभी ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, टेम्परेचर ही तो बढ़ रहा है, तो कार्डिनल टेम्परेचर जैसे नहीं मिलेगा तो सीड जर्मिनेशन फेल हो जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पहले से हो रहा है, और जहाँ जो कोल्ड एरिया वहाँ पर तो अब वो होने लगेगा। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन रेट वाला इशू हम पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा ये जो अपन चार चीज़ें थी इन्हें भी देख रखे थे। हाँ, इसमें एक और है, ये जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सन बर्न या सन बर्न या सन स्कॉल्ड। अब ऑब्वियसली जैसे अपन गर्मियों में अक्सर होता है कि गर्मियों में बिना प्रोटेक्शन ही कपड़े अपड़े बिना ढके अगर सीधे धूप में निकल जाते हैं, और अगर हमारी हैबिट नहीं है तो जो लोग एसी में बैठे रहते हैं वो जैसे ही निकल जाते हैं उनके पूरी पूरी सन वो हो जाती है, स्किन है वो बर्निंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है और फिर कुछ टाइम में वो उधड़ने लगती है। तो वैसी कंडीशन है कि यहाँ जब रेडिएशन प्लांट जो है अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा रेडिएशन मिल जाता है तो वो सनबर्न या सन स्कॉल्ड जैसी कंडीशन हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट इसका पड़ रहा है, टेम्परेचर का पड़ रहा है। हाई टेम्परेचर का एक इफेक्ट और होता है और वो है विल्टिंग। जो विल्टिंग है, विल्टिंग, अब विल्टिंग को हम वेरिएट कर लेते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। अब पहले तो हमें विल्टिंग समझना होगा। विल्टिंग का मतलब होता है जैसे प्लांट्स है वो मुरझा जाता है। अब मुरझाता क्यों है प्लांट? देखो जो यंग शूट्स होते हैं या यंग प्लांट्स होते हैं ये पूरे का पूरे जो इनका मैकेनिकल है, मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े हैं वो पूरा है ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से। जब इसका वाटर ही लॉस हो जाएगा तो इसकी लीफ कैसे स्ट्रांग बनी रहेंगी या स्टेम कैसे खड़ा बना रहेगा, वो तो मुरझाना ही मुरझाना है। तो ये जो मुरझाने की कंडीशन है इसी को बोलते हैं विल्टिंग। ऑब्वियसली अगर प्लांट ज़्यादा हीट अगर कहीं ज़्यादा है, टेम्परेचर या सोलर रेडिएशन ज़्यादा है, तो प्लांट क्या होगा, जो वाटर है वो तेज़ी से यहाँ से वाटर को इवेपोरेट कर देगा, ठीक है, इसकी लीव्स है। अब जब इसे इवेपोरेट कर देगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मॉइस्चर इतनी जल्दी से जिस स्पीड से ये ज़मीन से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से ये वाटर को लॉस कर रहा है। तो एक टाइम आएगा जब इसके पास वाटर है नहीं, टंकी खाली हो चुकी है नीचे से और सप्लाई लगी हुई है, तो इसका रिजल्ट होगा कि ये मुरझा जाएगा। ये मुरझाना जो है ये एक्चुअली इसका एक टाइप का मैकेनिज्म है जिससे ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि मुरझा गया तो इसका जो टोटल लीव सरफेस एरिया ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। लीव सरफेस एरिया कम हुआ तो हीट या सोलर रेडिएशन से जो इसका कॉन्टैक्ट था वो थोड़ा कम हो जाएगा, कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाएगा। इस टाइप का विल्टिंग को हम आगे पढ़ेंगे, पैथोलॉजी का थोड़ा पार्ट है। तो जो विल्टिंग है वो जनरली बेसिकली दो टाइप की होती है, इसके अलग अलग वेरिएशन है। जैसे एक हम बोल सकते हैं टेम्पररी, क्या टेम्पररी मीन्स प्लांट में वेरिएशन जो आया या विल्टिंग जो आई वो कुछ टाइम के लिए, अगर हमने उसे पानी दे दिया तो वो वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाता है। या आपने प्लांटों को देखा होगा कि वो अक्सर दोपहर के बाद थोड़ा विल्टिंग शो कर देते हैं जैसे ही सनसेट हो गया, इसके बाद नाइट में वो दोबारा से अपने जो वाटर के जो है डेफिशिएंसी थी उसे कवर कर लिया उन्होंने नाइट में, और सुबह तक वो वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ गए। तो ये है टेम्पररी। दूसरी विल्टिंग होती है जिसे बोलते हैं हम परमानेंट। परमानेंट केस में क्या होता है कि विल्टिंग में जो वाटर लॉस हुआ वो एक लिमिट जो है उससे ज़्यादा हो गया,
उस लिमिट से ज्यादा होने के बाद यह है कि तुम चाहे उसे आर्टिफिशियली पानी दे दो, कुछ भी कर लो, वो लॉस हो चुका है, एक लिमिट तक वो कवर करे, अब उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बीमार हो जाते हो, तो एक लिमिट तक अगर बीमार हो तो आपको सही किया जा सकता है, लेकिन अगर एक आपको उस लिमिट से ज्यादा बीमार हो गए तो फिर रिकवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और फिर वो फिर ऊपर ही होता है, राम नाम शक्ति है। तो इस टाइप से विल्टिंग के दो हो गए, टेम्परेरी और परमानेंट। अब कॉजेज के बेस पे भी विल्टिंग को टाइप में हम डिवाइडेड कर लेते हैं। वो कैसे कर सकते हैं हम? यह होता है कोई पैथोजन ने अटैक कर दिया तो इसे बोलते हैं हम पैथोजेनिक, कोई इंसेक्ट ने अटैक किया और इस प्लांट की जो फ्लोएम है, जो वाटर को ट्रांसलोकेट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, उसको डैमेज कर दिया। तो दूसरा है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। तो जो यहाँ पर हमने जो पढ़े हैं ये दोनों, ये अभी हमने डिस्कस किया फिजियोलॉजिकल वाले। सेम थिंग पैथोलॉजिकल है, कोई इंसेक्ट अटैक है या फिर जस्ट जनरल फिजियोलॉजिकल है। तो इस टाइप से हम बिल्टिंग को पढ़ लेते हैं। तो जो हाई टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं विल्टिंग से भी रिलेटेड है। अब यहाँ पर हमने जो हाई टेम्परेचर है उसे तो देख लिया, अब अपना मुद्दा बचता है लो टेम्परेचर का। लो टेम्परेचर में दो है, या तो मैंने बोला जैसे आपको कहीं फ्रॉस्ट पड़ जाती है, कहीं स्नो का इशू है। तो फ्रॉस्ट और स्नो के में हम सबसे पहले फ्रॉस्ट को निपटा लेते हैं, फिर स्नो थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि मेजर एरिया में यही होता है। अब आप इसी ज्योग्राफी में पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे कि फ्रॉस्ट होता क्या है। जब एयर का टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाए, तो इस केस में क्या होगा, तो वाटर जहाँ भी है, चाहे वो प्लांट का टिश्यू हो या सरफेस पर कहीं पड़ा हो या बर्फ हो, मीन्स रिवर है, पॉन्ड है, जो भी है, वट एवर, जहाँ भी वाटर होगा वो वहाँ वहीं पर फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एयर का फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने पर वो जम जाएगा। तो अपने लिए क्या इशू है कि प्लांट्स जो है, जो इन्वायरमेंट में ओपन है, अगर वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, प्लांट के अंदर का जो वाटर है, प्लांट की बॉडी का जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा। अब आपको पता है कि वाटर जब भी फ्रीज होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वाटर का शेप जो है, साइज, वाटर का साइज बढ़ता है फ्रीज होने। साइज बढ़ने से प्लांट की जो इंटरनल जो डैमेजेस होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो अब प्लांट अपने आप को इन डैमेज से या वाटर फ्रीजिंग से कैसे बचाते हैं, इसके लिए अपना आगे देखेंगे, उसे यहाँ डिस्कस करने का अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, एक एक करके सभी चीजें आ जाएंगी। बट यहाँ पर अपन को क्या देखना था, यहाँ देखना था कि आखिर फ्रॉस्ट है क्या, दूसरा इसके टाइप्स क्या है, तीसरा इसकी क्या इफेक्ट है या किस टाइप की ये इंजुरीज क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, और हम क्या कर सकते हैं। देखो प्लांट ने जो अडेप्टेशन किया उसे हमने, मैंने आपसे बोला चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, वो अलग मुद्दा है, लेकिन प्लांट ने तो अडेप्टेशन किया किया, लेकिन हर एक ने थोड़ी किया। तो अपनी नर्सरी में जिन प्लांट्स को हम ग्रो कर रहे हैं, जिनके पास अडेप्टेशन नहीं है, है भी तो एक लिमिट में होता है ना हर प्लांट का, तो हम उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा जो क्या सॉल्यूशन होगा वो। और इसके लास्ट में हम ये भी देख लेंगे कि देखो ये फ्रॉस्ट या स्नो है, इन्हें हम एक्सट्रीम केस को हमने हमेशा नेगेटिव में तो लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि केवल नेगेटिव हो, इसके कुछ पॉजिटिव वैल्यू पॉइंट भी है। ठीक है, फिर लास्ट में उसे डिस्कस करके ये फ्रॉस्ट वाले पॉइंट को खत्म कर लेंगे। तो फ्रॉस्ट क्या है, चिलिंग ऑफ एयर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके मुद्दा आते हैं टाइप्स। तो टाइप्स में तीन टाइप है, एक है रेडिएशन फ्रॉस्ट, दूसरा पूल या स्विमिंग पूल, तीसरा है एडवेक्टिव या बाहर से आने वाला जो है एडवेक्टिव फ्रॉस्ट। अब हम इन तीनों को एक एक करके देखेंगे। पहला आता है अपना रेडिएशन फ्रॉस्ट। अब आपको ये समझना चाहिए कि रेडिएशन फ्रॉस्ट होता क्या है। तो देखो ये जो मिड लैटिट्यूड वाला पार्ट है, जैसे कि अपनी जो अर्थ है, ये इक्वेटर वाला पार्ट है और ये पोल वाला पार्ट है। तो ये जो मिड लैटिट्यूड वाले जो रीजन है, इनमें क्या होता है, जब जब अपने यहाँ सर्दियाँ होती है, मतलब सन जो है वो लगभग यहाँ पर पोजीशन है सन की, तो यहाँ पर क्या होता है, जो डे है, डे हो रहा है लगभग 7-8 घंटे का, और जो नाइट हो रही है वो हो रही है लगभग 14-15 घंटे की। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है कि इस रीजन में जो रेडिएशन मिल रहा है इसे, वो रेडिएशन मिल तो कम पा रहा है, जबकि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन से जो अर्थ हीट को लॉस कर रही है, मतलब वो ज्यादा हो रहा है।
तो गेन काम है, लॉस ज्यादा है। तो ये इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर रेडिएशन कंटिन्यू बाहर भाग रहा है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि यहाँ पर रेडिएशन बाहर भाग रहा है, लेकिन ये केवल ऐसे ही नहीं भाग जाता है कि बस भाग गया, इसके लिए भागने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन इसके लिए रिक्वायर है कि जो नाइट्स हैं, अपनी जो नाइट है वो लॉन्ग होनी चाहिए, मतलब 12 घंटे के ऊपर है, 14 घंटे, 15 है, नाइट बहुत लंबी होनी चाहिए जिससे कि रेडिएशन को लॉस करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल पाए। क्योंकि अगर उसे 12 घंटे रेडिएशन मिल रहा है, 12 घंटे ही लॉस कर रहा है, तो एवरेज दोनों बराबर ही हो जाएंगे। तो इसे ऊंच नीच ज्यादा होना चाहिए, 8 घंटे मिल पा रहा है और 14 घंटे रिलीज कर रहा है, तो इस टाइप से बोल सकते हो कि रिलीज ज्यादा कर रहा है। तो जब रिलीज ज्यादा करेगा तो अर्थ का या उस पर्टिकुलर रीजन का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो नीचे डाउन जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है इसके लिए, दूसरा है जो नाइट, जो स्काई है, आसमान जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर क्यों होना चाहिए, इसके पीछे रीजन है। अगर आसमान में क्लाउड्स हैं तो क्लाउड क्या करते हैं, जो भी आपकी रेडिएशन गई उसको उन्होंने एब्जॉर्ब करके स्कैटर्ड बैक कर देते हैं, वापस कर देते हैं, जैसे आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ रखा है। तो अगर आपका क्लाउडी स्काई है तो उस केस में आप कुछ भी कर लो, एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं हो सकता। तीसरा कंडीशन इसके लिए, जो विंड है, ठीक है, विंड बिल्कुल काम कंडीशन में हो, स्ट्रॉन्ग मतलब तेजी से मूव ना कर रहा हो, आराम आराम से कर रही हो, मतलब क्या है कि जो रेडिएशन जा रहा है वो रेडिएशन किसी भी टाइप से, क्योंकि देखो विंड के अंदर होती है मॉइस्चर, और मॉइस्चर के साथ जो रेडिएशन वो रिएक्ट करेगा। तो अगर काम कंडीशन है तो होगा क्या कि जो मॉइस्चर, या सपोज लो काम कंडीशन मतलब विंड चल ही नहीं रही, तो जो रेडिएशन है वो जो नीचे से जा रहा है वो एक लिमिट तक ही रिएक्ट कर पाएगा उसके ऊपर की मॉइस्चर से, वो विंड का जो पार्सेल है एयर का उससे एक लिमिट में ही रिएक्ट कर पाएगा, और रिमेनिंग जो है वो ऊपर तक चली जाएगी। कुल मिला के ये तीन कंडीशन होंगी जिसके मिलने पर ही जो रेडिएशन है वो आसानी से अर्थ को छोड़ के निकल जाएगा, अर्थ के एटमोसफेयर से निकल जाएगा। अगर निकल जाएगा तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर जोन का जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे धीरे धीरे करके वहां पर बहुत ही नीचे तक चला जाएगा, और वो कंडीशन वही पहुंचा देगा कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, मतलब फ्रॉस्ट किसकी वजह से हुआ, रेडिएशन लॉस की वजह से, इसलिए इसको फ्रॉस्ट का नाम दे देते हैं, रेडिएशन फ्रॉस्ट। अब इसको एक और नाम बोल देते हैं, इसको इस टाइप से एक आता है होर फ्रॉस्ट, ठीक। तो ये भी देख लेना, आपको एक टाइप का हो गया। दूसरा मुद्दा आता है पूल फ्रॉस्ट। अब पूल फ्रॉस्ट कहाँ होगा, हाँ देखो यहाँ पर आपको एक बात और बताई थी मैंने, वो बोला था रेडिएशन फ्रॉस्ट कहाँ होता है, मिड लैटिट्यूड रीजन में, जैसे कि यूरोप वगैरह है वहां पर अच्छा अच्छा खासा ही पड़ता है। दूसरा अपना है पूल फ्रॉस्ट। पूल फ्रॉस्ट में क्या होता है, स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल कैसा अपना ऐसे ही मान लो, तो ये भी एक टाइप का स्विमिंग पूल ले लो, यहाँ पर एक वैली पहाड़ी ले लो और ये दूसरी पहाड़ी हो गई, ये बीच का वैली मतलब ये स्विमिंग पूल हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि जो पहाड़ी है, जैसे कि इसे है मसूरी ले लो, तो जो पहाड़ियों पर क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादातर डाउन ही होता है। अब नाइट में तो उनका भी ज़्यादा डाउन होगा, क्योंकि वो उनके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी पतला होता है कंपेयर टू वैली वाले के पास, तो वहाँ से रेडिएशन जो है वो ज़्यादा आसानी से इमिट हो जाता है। इस वजह से जो टॉप है हिल रीजन के, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही कम हो जाता है कंपेयर टू वैली। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहाँ की जो एयर है वो हो जाएगी डेंस, डेंस हो मतलब भारी हो जाएगी, भारी हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। तो जब नीचे की तरफ मूव कर जाएगी तो वैली रीजन जो है, यहाँ पर जो वार्म एयर थी ये कोल्ड एयर आकर के नीचे बैठ जाएगी, ये जैसे जो कोल्ड एयर बैठ रखी है यहाँ पर, और जो वार्म एयर है इसे ऊपर उठा देगी। तो यहाँ पर एक टर्म पढ़ोगे जियोग्राफी में, थर्मल इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन, जो टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन है वो यहाँ पर बन जाती है। तो मुद्दा क्या है, यहाँ वैली में ये कोल्ड एयर भरा आ जाती है, ये पूल टाइप की कंडीशन है, इसे बोलते हैं पूल फ्रॉस्ट।
अब आपको एक ये भी एग्जांपल में याद रखना है कि पूल फ्रॉस्ट आपके यहाँ कहाँ बन सकता है, तो ये बनेगा आपके वैली रीजन में, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप इसे मसूरी बोल दोगे तो ये हो गया आपका देहरादून। ठीक, जो एमसीक्यू वाले एग्जाम वाले देने वाले हैं उनके लिए तो ये ऑब्जेक्टिव सीधा पक्का आता है, देहरादून मसूरी का एग्जाम्पल, अदर भी देख सकते हैं, बस सिंपल सी चीज़ है। एक थर्ड और है, थर्ड है एडवेक्टिव। अब ये एडवेक्टिव की क्या, देखो बला क्या है ये, अभी आपके यहाँ दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली का टेम्परेचर अभी कुछ पिछले मंथ ही चला गया था 3.2 डिग्री सेल्सियस के टाइम समथिंग। अब जब दिल्ली में चला गया इसी लैटिट्यूड पे, यहाँ कोलकाता वगैरह है मान लो, यहाँ पर मुंबई है, जैसे भी मान लो, तो इनका क्यों नहीं गया? ठीक है, सेकेंड थिंग, यहाँ पर अपना जो शिवालिक है इसके बाद यहाँ पड़ जाता है देहरादून, तो देहरादून तो हिमालय में घुस रखा है, तो इसका देहरादून का टेम्परेचर इतना डाउन क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर डाउन होता है वो होता है यहाँ से जो पोलर विंड है वो इंटर करती है इस साइड से एडवेक्टिव, और ये जो विंड है, ये जो वार्म विंड है उसे तो उठा के अपर ऊपर उठा देती है और पूरी पूरी नीचे कर देती, यही हो जाती है। यही वजह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, जैसे अपन जियोग्राफी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जब आपकी जो ज़मीन है सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डाउन जाता है, कितना, 1.6 डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा होगा पर किलोमीटर, इसे अपन बोलते हैं लैप्स रेट। तो एक बात बताओ, जब दिल्ली है, दिल्ली का टेम्परेचर नाइट में पहुंच गया था ये 2.8 डिग्री सेल्सियस के समथिंग चला गया था, तो इस केस में 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर तो माइनस में कुछ पहुंच जाएगा, माइनस में मतलब 2.8 है इसे 3 मान लो, तो यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए 1 किलोमीटर ऊपर। तो अगर यहाँ पर स्नोफॉल हो गई, मतलब स्नो का फॉर्मेशन हो गया, तो वहाँ नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री है तो पिघलेगी नहीं, इस हिसाब से तो दिल्ली में स्नोफॉल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो लैप्स रेट है ये एक एवरेज है, एक एवरेज स्टैंडर्ड डाटा है, एक्चुअल ऐसा हो मिले जरूरी नहीं है। सेकंड थिंग, मैंने अभी आपसे क्या बोला कि अपने यहाँ ये एडवेक्टिव है, तो होता क्या है कि जो यहाँ पर वार्म एयर थी ये यहाँ से जब कोल्ड एयर आई तो कोल्ड एयर इसने यहाँ पर गई और यहाँ की वार्म एयर को इसने ऊपर कर दी, तो ये वार्म एयर है और यहाँ पर पूरी पूरी कोल्ड एयर आ रखी है, तो टेम्परेचर जो 3 डिग्री 2 डिग्री कितना भी हो जाए वो ये नीचे का ही हुआ, ऊपर का तो थोड़ी हो गया। तो ये वजह है कि दिल्ली में स्नोफॉल वगैरह जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। आप आगे जब ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उससे जब जोड़ोगे तो आप इसको जो आज इस साल का जो एग्जाम्पल है इसे जोड़ के चलो, ये पूरा पिक्चर उसी के आसपास घूम रही है। ओके, तो आपके 3 टाइप के जो फ्रॉस्ट थे उसे आप देख चुके हो, कौन कौन से, रेडिएशन या होवर फ्रॉस्ट, पूल फ्रॉस्ट और एडवेक्टिव फ्रॉस्ट। अब मुद्दा आता है अपना फ्रॉस्ट इंजुरीज का। अब आपको फ्रॉस्ट इंजुरीज में पहली जो इंजुरी है, 4-5 टाइप की जो बेसिकली जिन्हें हमें पढ़ना होता है, उसमें पहली आती है फ्रॉस्ट क्रैक्स। अब आपको ये समझना है कि आखिर ये फ्रॉस्ट क्रैक्स का इशू क्या है, ये क्रैक क्यों बन रहा है। देखो ये है टिशू, ये तो है आउटर बाउंड्री और ये है इसका इंटरनल टिशू। अब जब बाहर टेम्परेचर अगर डाउन जा रहा है तो इस टेम्परेचर डाउन का जो इफेक्ट पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा इसकी आउटर बाउंड्री पे। अब टेम्परेचर अंदर तक तो पहुंच ही नहीं रहा तो अंदर कोई इफेक्ट पड़ रहा है नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटर बाउंड्री जो है वो श्रिंक होगी, सिकुड़ेगी। जब आउटर बाउंड्री सिकुड़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे क्रैक्स। ठीक है, अब ये जो फ्रॉस्ट क्रैक्स हैं इसका हमारे लिए क्या इशू है। देखो क्रैक्स है, प्लांट को बहुत बड़ा डैमेज तो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो फ्लोएम है वो तो कनेक्टेड है सीधा सीधा, तो काम हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ जाता है, क्रैक्स से जो कैविटीज क्रिएट होती हैं उसमें इंसेक्ट पेस्ट वगैरह के लिए एक सेंटर का काम करता है, हब बन जाता है। दूसरा, प्लांट का जो इंटरनल जो टिश्यू है जो सॉफ्ट है, अब वायरस बैक्टीरिया है वो सीधे के सीधे उस सॉफ्ट टिश्यू तक जाने लगते हैं, तो खासकर जो हार्टवुड बोरर जैसे इंसेक्ट हैं उनके लिए एक सेंटर का काम कर देते हैं, वो एक बार अंदर कर गए तो वो अंदर ही रहते हैं और पूरा का पूरा पेड़ को अंदर से खोखला कर दिया।
हमने पेड़ लगाए होते हैं टिम्बर के लिए, और जब काटने जाते हैं 20 साल बाद पता पड़े कि क्रॉप तो हमारी खत्म हो गई अंदर से, तो इस टाइप से जो हमें पूरा पूरा लॉस हो गया, हमारा कॉमर्शियल प्लांटेशन बर्बाद हो जाती है, तो ये वहां पर एक इनडायरेक्ट डैमेज पहुंचा देते हैं। दूसरा मुद्दा आता है ये कैंकर का। इसे कैंकर एक टाइप का कैंसर ही है। हुआ क्या, जैसे क्रैक्स पड़े या कोई और मैकेनिकल डैमेज हो गया, तो फ्रॉस्ट ने जो लो टेम्परेचर है उसने उसकी सेल जो है उसको आउटर सेल्स को डैमेज कर दिया, तो सेल को एक इस टाइप से मैसेज गया कि उनने जो मल्टीप्लिकेशन की रेट है वो डबल ट्रिपल हो गई, तो उस पर्टिकुलर रीजन की जो सेल है उनको जिस लेवल से ग्रोथ करनी थी उससे वो डबल या ट्रिपल रेट से ग्रोथ कर रहा है। इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि उस रीजन में एक टाइप का ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्यूबर या ट्यूमर। तो जो ट्यूमर टाइप का बन गया उसी को हम बोल देते हैं कैंकर। इसके अलावा फ्रॉस्ट का एक साथ एक और बड़ा इशू है, वो है इसकी रूट को डैमेज करना किसी भी प्लांट का। क्योंकि देखो ये जो है क्रैक और कैंकर ये तो हो रहे हैं अपर सरफेस वाले में, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, ये अपनी है सॉइल सरफेस। इस सॉइल सरफेस के नीचे जो सॉइल वाटर है जब वो भी फ्रीज होगा तो क्या होगा, सरफेस तो उसका भी बढ़ेगा, एरिया तो उसका भी बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो सॉइल जो है उसे ऊपर उठा देता है, इसी को इसलिए इसे बोलते हैं फ्रॉस्ट हीविंग या सॉइल हीविंग या सॉइल अपलिफ्टिंग। अब इसका डैमेज कहाँ होता है, जैसे कि एक प्लांट लगा रखा है, अब पहले सपोज ये प्लांट का ये लेवल था, जैसे यहाँ पर सॉइल हीविंग हुई ये बकाया का भी उठेगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इस वाले रीजन की सॉइल का तो साइज बढ़ेगा जबकि ये वाला रूट जोन है ये फिक्स बना रहेगा, तो ये यहाँ पर स्ट्रेस आएगा इस रीजन में। तो होगा क्या, जैसे मतलब आज अगर नाइट में फ्रॉस्ट पड़ती है तो सुबह तक आते आते ये प्लांट को ऊपर उठाएगा, एक बार ऊपर उठा दिया इसको निगलेक्ट कर दो, इसे छोड़ दो। डे टाइम में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर वापस बढ़ेगा फ्रॉस्ट पिघलेगा प्लांट अपनी पुरानी पोजीशन पे आएगा, फिर प्लांट फिर ऊपर जाएगा फिर प्लांट नीचे जाएगा, तो इसका रिजल्ट होता है कि इसकी जो रूट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं बुरी तरह है। और ये जो रूट के डैमेज है ये हर प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, बहुत ही कम प्लांट होते हैं जो इसे झेल पाते हैं, जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टैप रूट सिस्टम हो वही इसे झेल पाते हैं। तो जो फ्रॉस्ट हीविंग है फ्रॉस्ट अपलिफ्टिंग है ये उसे मैकेनिकल इंजरी बहुत ज़्यादा ही दे देते हैं, तो इस इशू को यहाँ पता। इसके अलावा एक अपना चौथा इशू और है, वो है विल्टिंग का। विल्टिंग देखते हैं फिर हम प्रोटेक्शन देख लेंगे। विल्टिंग होता क्या है, प्लांट जो है जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि जैसे प्लांट है उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे वाटर तो चाहिए है, तो जमीन से नीचे से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है। फ्रॉस्ट के केस में क्या होता है कि जब जमीन पे नीचे जो है वो पानी फ्रीज हो चुका है तो नीचे से एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे सुबह धूप निकली वही 8, 9, 10 बजे के टाइम पे तो उसके जो लीव्स है वहां से तो उसे इमिट करना ही है, वहां से तो एवेपोरेशन शुरू हो गया, तो पानी उधर से शुरू हो चुका है जबकि नीचे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से उसमें प्लांट में जो फ्रॉस्ट वो मीन्स प्लांट में जो वाटर की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है उसका रिजल्ट होता है उसमें विल्टिंग होने लगती है, मतलब मुरझा जाता है। और अगर ये लंबे टाइम तक चल गई विल्टिंग तो उसकी परमानेंटली डेथ हो सकती है, मतलब जैसे विल्टिंग दो टाइप की होती है टेम्पररी और परमानेंट, तो ये टेम्पररी विल्टिंग कभी कभी परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों हो रही है, क्योंकि वाटर फ्रीज है, नीचे जो सॉइल वाटर है उसे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है क्योंकि नीचे का जो है फ्रॉस्ट की वजह से पूरा सॉइल वाटर जम चुका है, तो ये इस टाइप से विल्टिंग का भी यहाँ पर मुद्दा आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर हमें प्रोटेक्शन कैसे करना है, मतलब फ्रॉस्ट में हमने डेफिनेशन देख लिया, टाइप्स देख लिया, फ्रॉस्ट के क्या इफेक्ट हैं। अब हमारा मुद्दा है कि ठीक है इफेक्ट है जो है, हम पूरे फॉरेस्ट को तो बचाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्रॉस्ट हार्डी हैं, इन पर फ्रॉस्ट का एक लिमिट के बाद ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो यंगर प्लांटेशन है उसको जिसे हमने अभी हाल फिलहाल में प्लांटेशन किया है उसको इस फ्रॉस्ट से कैसे बचाएं, इसे समझ लिया तो अपना फ्रॉस्ट वाला जो बवाल है वो खत्म हो जाएगा। तो
तो पहले तो क्या कर देते हैं, जैसे अपनी नर्सरी है, नर्सरी को तो सीधा शायद थैचिंग कर दिया जाता है। थैचिंग से क्या है कि जो ऊपर से जो पाला पड़ता है, जैसे अपन बोलते हैं पाला पड़ रहा है, फ्रॉस्ट मतलब पाला पड़ना, तो जो है वो ये एक टाइप से शेल्टर प्रोवाइड कर देता है नर्सरी को। इसका मतलब एक और है कि ऐसे एरिया जहाँ फ्रॉस्ट पड़ती है वहां पर हम फॉरेस्ट में क्लियर फिलिंग नहीं करते हैं। ये क्लियर फिलिंग क्या है, इसे आप पढ़ोगे सिल्विकल्चर सिस्टम में। जस्ट एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी आपने उसे नहीं पढ़ा होगा उम्मीद करता हूँ। तो जैसे अपन एग्रीकल्चर क्रॉप करते हैं ना कॉमर्शियल, जैसे कि अपने पास ये एक हेक्टर है, तो इसमें अगर हमने पूरे में खेती की है, वीट ग्रो किया है, तो जैसे ही इसका हार्वेस्टिंग सीजन आता है, काटने का टाइम आता है, तो वन ऑपरेशन में एक ही बार में पूरे की पूरे एरिया की जो वीट है उसे काट दिया जाता है। तो वैसे ही पेड़ों के साथ किया जाता है। क्लियर फिलिंग सिस्टम में जो कॉमर्शियल फॉरेस्ट प्लांटेशन कर रहा है, सपोज उन्हें यहाँ पर 10 हेक्टर का एरिया है, 100 हेक्टर का एरिया है जिसमें पेड़ लगा रखे हैं, तो ये क्या होगा कि जब इनका कटाई शुरू होगा, जब रोटेशन आ जाएगा, इनका मैच्योरिटी हो जाएगी, और जब हमें काटना होगा, तो पूरे पूरे एरिया की फॉरेस्ट वेजिटेशन एक बार में पूरी पूरी कट करके साफ कर दी जाती है। तो उसे बोलते हैं क्लियर फिलिंग, मतलब पूरा क्लियर कर दिया एरिया। तो जहां पर ऐसी फ्रॉस्ट पड़ती है वहां पर हम इस टाइप की क्लियर फिलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि क्लियर फिलिंग करने के बाद जब हम वहां पर नई वेजिटेशन दोबारा से प्लांटेशन करते हैं, तो नई वेजिटेशन को फिर प्रोटेक्शन कहाँ से देंगे? बहुत प्रोटेक्शन पूरी 10 हेक्टर में देना आसान नहीं होता है। तो फिर उसमें एक ही काम किया जाता है अपना पैसा बचाने के लिए, कि कुछ कुछ पेड़ है उन्हें बीच में छोड़ दिया जाता है कि भाई एक काम करो, 20 साल बाद आप काट रहे हैं, तो कुछ पेड़ों को हम 19 के एंडिंग में काट लेंगे, मतलब 19.5 साल पे काट लेंगे, कुछ को 20 पे काटेंगे, कुछ को 21 या 22 पे काटेंगे। तो इस टाइप से क्या करना शुरू कर देंगे कि वो 3-4 साल में मिलके काटेंगे, जिससे पूरा एरिया एकदम खाली नहीं होगा और जो नई है वेजिटेशन वहां पर लग जाएगी। तो इस टाइप से हम क्लियर फिलिंग को वहाँ अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरा मैंने आपसे बोला था विल्टिंग। विल्टिंग के केस में क्या किया जाता है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, वाटर डेफिशिएंसी की आ रही थी, तो यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन कर दिया जाता है नर्सरी में, मेनली नर्सरी में किया जाता है, या फिर जहाँ छोटा मोटा एरिया है अगर प्लांटेशन का, तो स्प्रिंकलर से क्या होता है कि जो वाटर है वो सीधा का सीधा लीव्स पे मिलता है। देखो प्लांट जो वाटर को इवेपोरेट करते हैं वो क्यों करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ये पहला एक जो मेन काम है उसका। तो अगर स्प्रिंकलर से हम सीधे के सीधे लीव को पानी दे देंगे, तो होगा क्या, पानी जब लीव्स के ऊपर पड़ेगा तो लीव्स में भी तो फ्रॉस्ट हो रखी होगी, तो ये पानी जब उसके ऊपर गिरेगा तो ऑब्वियसली इस पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब इसका टेम्परेचर सपोज 15-20 डिग्री सेल्सियस है, और जो फ्रॉस्ट जो लीव है उसका तो नीचे पड़ा रखा है, मतलब 3 डिग्री या 4 डिग्री। जब 20 डिग्री या 15 डिग्री वाला पानी जब 3 डिग्री वाले या 2 डिग्री वाले से कॉन्टैक्ट में आएगा, तो ऑब्वियसली ये हीट उसे देगा और उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से एक तो क्या होगा कि जो प्लांट का जो टिश्यू है उसे एक सीधी सीधी वाटर मिल जाता है, और दूसरा जो स्टार्टिंग में जो वाटर लॉस कर रहा है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो ये स्प्रिंकलर से जो उसे लीफ के ऊपर पानी मिल गया यही जनरली इवेपोरेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये लगभग उसे 12-2 बजे तक अवेलेबल, मतलब एक जो उसकी जो कमी थी वो 12-2 बजे तक इस स्प्रिंकलर वाले इस पानी से वो काम चला लेता है, तब तक 2 बजे तक नीचे का फ्रिज खत्म हो चुका होता है। तीसरा अभी आपसे बोला रेडिएशन फ्रॉस्ट। रेडिएशन कहाँ होता है, क्लियर नाइट में। तो ऐसे केस में क्या किया जाए जहाँ 12-14 घंटे की जो नाइट हो रही है, तो जैसे कि साउथ हेमिस्फेयर में जैसे न्यूजीलैंड है, ये जो पिक्चर है वो न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करते हैं, क्योंकि अपने पास तो इतना पैसा होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि मैंने आपसे बोला था कि रेडिएशन फ्रॉस्ट के लिए 3 कंडीशन थी, उसमें एक थी काम विंड कंडीशन है, वो काम होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल रुकी हुई होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर फैन लगा देते हैं, फैन चालू कर दिया, तो क्या होगा ये यहाँ पर विंड में टर्मोइल कर देते हैं, तो यहाँ से जो रेडिएशन जा रहा है वो इसी विंड में बना रहता है और इसे विंड उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका रिजल्ट होता है कि जो रेडिएशन एटमॉस्फेयर छोड़ के स्पेस में भाग रहा था वो यहीं नीचे निपट गया, इससे एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता है। दूसरी कंडीशन क्या थी, स्काई क्लीन होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, तो क्लियर स्काई को भी अगर हम ब्लॉक करेंगे तब भी हमारा रेडिएशन फ्रॉस्ट को रोका जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए स्मोकी फायर।
जंगल में जनरली क्या होता है, जैसे यहाँ सर्दियों में अलाव तापते हैं अपन लोग, वैसे ही वहां पर बड़ी सी तीन चार जगह पूरे फॉरेस्ट एरिया में आग लगा देते हैं। और वो आग मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दर्द तरीके से जल रही हो, हाँ धुआं ज्यादा छोड़ रही हो। तो होगा क्या कि धुआं, जब एयर में धुआं धुआं होगा वहां के में, तो रेडिएशन को वो एक टाइप से ब्लॉक करेगा, रेडिएशन को स्पेस में जाने से रोकेगा। तो इस टाइप से एक है स्मोकी फायर करना, क्लियर फ्लेम को अवॉइड करना, स्प्रिंकलर है, विंड जो विंड वैन है या फैन है जो है, या फिर हम नर्सरी की थैचिंग कर देते हैं। एक इशू और है, वो है सॉयल की मल्चिंग करना। देखो मल्चिंग को समझते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई जगह यूज होता है। मल्चिंग का मतलब क्या है कि जैसे हमारी जो सॉयल सरफेस है, इसके ऊपर जो अननेसेसरी स्ट्रॉ है, जैसे कि भूसा है, लकड़ी वगैरह, इधर उधर का जो अपना बायोलॉजिकल जो मटेरियल है, इसको हम ऊपर डाल देते हैं। तो एक टाइप से क्या करता है, एक टाइप से कवर का काम करता है। तो जो रेडिएशन था, जो लॉस हो रहा था, वो एक लिमिट के बाद यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है मल्चिंग। ठीक है, तो मल्चिंग को एक बार ध्यान रखें, ये मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये लगभग 10-15 जगह लगेगा। तो इसलिए थोड़ा मल्चिंग को देख लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। कि देखो एक तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, तो टाइम के साथ जब ये डिजनरेट होगा, टूटेगा छोटे छोटे पार्ट में, मतलब लीफ लेटर की तरह काम करेगा, तो एक तो क्या करेगा, इससे जो न्यूट्रिएंट लीच होंगे, तो यह प्लांट को भी एक टाइप से ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस वगैरह प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, दूसरा जब ये एरिया को एक टाइप से जब इसने कवर कर रखा है, तो कोई बाहर का सीड आएगा वो यहाँ वो उग पाएगा नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर ही पड़ा रहेगा, अगर जर्मिनेट हो गया तो वो नीचे सॉइल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस टाइप से जो वीड ग्रोथ होती है, देखो अपने प्लांट को तो जहां पर लगा दिया वहां पर तो मल्चिंग की नहीं, रिमेनिंग जो खाली पड़ा था उसमें लग कर डाली मल्चिंग, तो जो वीड ग्रोथ होने वाली थी वो वीड ग्रोथ यहाँ हो नहीं पाती, या फिर वीड के यहाँ पर जो सीड है अगर वो उग भी गए तो इसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तब तक उन्हें एक लिमिट होती है, उस विद इन टाइम फ्रेम उन्हें लाइट भी चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इस मल्चिंग को क्रॉस करके ऊपर नहीं आ पाते हैं, तब तक उनकी डेथ हो चुकी होती है। तीसरा, जो वाटर गया वो इसमें फंसा रह जाता है, तो फ्री वाटर वो आसानी से रन ऑफ नहीं होता है, इसलिए सॉइल इरोजन जैसी चीजें हैं वो भी नहीं हो पाती, और इसे वाटर को परकुलेट होने के लिए काफी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो इस टाइप से वाटर का भी इशू है, रेडिएशन का अपन ने बताई चुके हैं इसे। तो ये मल्चिंग के कुछ बेनिफिट है अदर। तो यहाँ पर अपना जो सॉल्यूशन था उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, सॉयल मल्चिंग हो गई, स्मोकी फायर हो गई, क्लियर फिलिंग को हम अवॉइड करेंगे, और नर्सरी जो है उसको अपन थैचिंग कर देते हैं। इसके अलावा कभी कभी दो टर्म और आ जाते हैं अपने लिए, एक होता है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, इसे कई बार आगे जा करके बार बार आएगा, प्लांट जो ट्री स्पीसीज पड़ोगे उसमें कि फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस या फ्रॉस्ट हार्डीनेस क्या होता है। ठीक है, और एक अपना लास्ट है कि फ्रॉस्ट से अपन को बेनिफिट क्या है। तो देखो जैसे कि सर्दी है, जितनी हमें लगती है उतनी यूरोपीय वालों को नहीं लगती, रीजन क्या होता है उनका, वो जीरो टाइप वाला मुद्दा होता है। तो ऐसे ही है, प्लांट है तो कुछ प्लांट उनकी स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल है, टिश्यू लेवल की है या जेनेटिक लेवल की है, तो उन पे जो केमिकल स्पेसिफिक कंपोजिशन है उसका वजह से जो फ्रॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो उतना नहीं पड़ता, मतलब वो फ्रॉस्ट को आसानी से झेल लेते हैं। दूसरा है, उनने अपने आप को इस टाइप से अडॉप्ट कर रखा है कि जब भी फ्रॉस्टी सीजन होता है वो लगभग एक टाइप से डेड टाइप के हो जाते हैं, यानी कि जैसे अपने यहाँ के प्लांट हैं ट्रॉपिकल वाले, इनमें जब भी गर्मियां आती हैं ये पत्तियां झाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ना रहेगी पत्तियां तो ना रहे होगा एवेपरेशन, एवेपरेशन नहीं होगा तो पानी लॉस की इशू नहीं है। तो ये गर्मियों में जब इनके पास पानी नहीं होता उसमें एक टाइप से रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है इनका, हीट से मैकेनिज्म है। वैसे ये कोल्ड वालों का है, जैसे कि अपना एग्जाम्पल है पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर जो है इसमें और दूसरा सेलिक्स में भी आ जाता है, लेकिन मेनली अपना पॉपुलर ही पकड़ेंगे क्योंकि ये कॉमर्शियल यूज होता है। पॉपुलर में क्या होता है, नवंबर के मिड से लगभग पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं और नवंबर के एंडिंग तक आते आते 15-20 दिन में पूरी पत्तियां साफ, पर पूरा कोल्ड सीजन में इसमें लीव्स नहीं होती, ये सीधा सूखा सूखा पड़ा रहता है। जब वापस इसमें अप्रैल आएगा अपना, तो अप्रैल के मिड में स्टार्टिंग में लगभग पत्तियां आना शुरू होती हैं, मतलब जब गर्मियां शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड एरिया का है
तो अप्रैल मतलब गर्मियों की वजह से वहां पर जब बर्फ पिघलने लगी और एक फेवरेबल टेम्परेचर पहुंच पाया, टेम्परेचर माइनस से ऊपर आकर के लगभग 10-12 या 15 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो इसके लिए अब फेवरेबल है, तब इसमें पत्तियां आना शुरू हो पाती है। तो इस टाइप से इसकी रेजिस्टेंस की मैकेनिज्म है, उसके थ्रू ये काम करते रहते हैं। एक और टर्म आ जाता है हार्डनेस, हीट हार्डनेस, कोल्ड हार्डनेस। तो देखो रेजिस्टेंस है वो तो उसका जेनेटिक मैकेनिज्म है, लेकिन हार्डनेस मतलब वो है जो इसने अडॉप्ट किया है। अब अडॉप्शन कैसे होता है, हम नर्सरी में हार्डनिंग करते हैं, ये टर्म पूछा भी गया है कि हार्डनिंग आखिर होता क्या है। देखो नर्सरी में जो हम प्लांट ग्रो करते हैं ना, एक चैम्बर होता है जिसे आपने पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस चैम्बर, ग्रीन हाउस। इस चैम्बर में क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, यानी कि मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, विंड है, ये सब कंडीशन है वहां पर कंट्रोल कंडीशन में होती है। मतलब ऐसा है जैसे आदमी को किसी एसी में रखा जा रहा है। इन दैट केस जब उसे सब कुछ फेवरेबल कंडीशन में होता है तो उसकी ग्रोथ परफॉर्मेंस अच्छी होती है। लेकिन आपको पता है कि अगर उसे हमेशा एसी में ही रखा जाएगा तो वो नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन के लिए क्या करना होगा कि जब यहाँ से हम इसमें नर्सरी में ग्रो कर लेते हैं तो एक जब लिमिटेड साइज हो गया, उसके बाद हम नर्सरी की इसके दूसरे ग्रीन हाउस चैम्बर में ही हम शिफ्ट कर देते हैं, जहां इसे डेली सुबह शाम पानी मिल रहा था, टेम्परेचर बिल्कुल रेगुलेट था, तो हम एक एक करके इसे स्ट्रेस देना शुरू करते हैं। दूसरे में हमने क्या करना शुरू कर दिया, सपोज जो पहले से डेली पानी मिल रहा था, अब 1 दिन छोड़ के 1 दिन करेंगे, फिर 2 दिन छोड़ के 2 दिन करेंगे, फिर 3 दिन छोड़ के 3 दिन करेंगे, ऐसे लगभग 8-8, 10-10 दिन का गैप ले आते हैं। तो धीरे क्या होगा, जब पानी का स्ट्रेस पड़ने लगेगा तो ये धीरे धीरे अपने आप को हार्डी करने लगेगा कि कम पानी में कैसे अपने आप को बचा पाए। तो एक बार 8-8, 9-9 दिन तक हम पानी का ले आ गए, फिर हम टेम्परेचर स्ट्रेस देंगे, तो जहाँ पानी और टेम्परेचर का स्ट्रेस हो गया मतलब ये काम हो गया। तो इसके बाद हम ये जनरली जब 4-4 दिन के दोनों के स्ट्रेस हो चुके होते हैं तो हम इसे फिर ग्रीन हाउस से भी बाहर निकाल के ग्रीन हाउस के चैम्बर के बाहर रख देते हैं, ऐसे खुले में, इन्वायरमेंट के में। जब यहाँ पर भी एक लिमिट के बाद जब हार्डनेस आ जाती है, इसके बाद ही कहीं हम इसे प्लांटेशन वर्क में यूज करते हैं। तो ये जो हार्डनेस है ये क्या है, ये आपको समझ में आ गया, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, इतनी जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। अब मुद्दा आता है अपना फ्रॉस्ट के बेनिफिट क्या है। देखो हर चीज हमेशा पॉजिटिव ही नेगेटिव ही नहीं होती, उसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी है। पहला पॉजिटिव क्या है, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो नॉर्थ इंडिया में जो स्पीसीज है वो केवल ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वहां पर जो इस जो कंडीशन बन रही है फ्रॉस्ट वाली, उसकी वजह से ही है। जो स्पीसीज यहाँ सरवाइव कर पा रही है, जो ओकेजनल फ्रॉस्ट पड़ रही है, वो यहाँ की स्पीसीज इसे नहीं झेल सकती है, ये वाली नहीं झेल सकती, जबकि ये झेल लेती है। तो यहाँ की स्पीसी इधर नहीं ग्रो कर पाती है। तो इस टाइप से यहाँ का किसी पर्टिकुलर लोकेशन का जो स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं ये फ्रॉस्ट जैसी कंडीशन मेंटेन करती है। दूसरा क्या है, अगर कोई अननेसेसरी चीजें, यानी कि जैसे फ्रॉस्ट सेंसिटिव टाइप के भी प्लांट अगर कहीं उग गए इस टाइप के एरिया में, तो फ्रॉस्ट उनको निपटा देती है। इस टाइप से वहां पर एक तो कंपोजिशन हो गया, दूसरा कॉम्पिटिशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तीसरा फ्रॉस्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया में वाटर का एक बहुत बड़ा सोर्स है, लगभग इंडिया में 4 से 5% जो वाटर है उसका सोर्स फ्रॉस्ट है। आपको पता होगा कि ये रबी सीजन की जो हमारी क्रॉप है जिसमें मेनली वीट है, उसको जो मेनली वाटर मिलता है वो ये फ्रॉस्ट से पड़कर मिल जाता है। फ्रॉस्ट है पाला जिसे बोल देते हैं, लगभग 5% के समथिंग है। मतलब एक लिमिट तक अगर सही है तो किसान को क्या होता है कि जैसे वीट में अगर 4 या 3 या 4 इरिगेशन देना है, 4 देना है तो वो 3 में ही काम हो जाता है उसका। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक अपनी लास्ट की एक्सरसाइज और देख लेते हैं इसकी। इसे ध्यान रखें, ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये लो टेम्परेचर बोल रहा है आपसे, कोई केवल फ्रॉस्ट नहीं बोल रहा है। तो लो टेम्परेचर में हमने फ्रॉस्ट और स्नो दोनों को ही पढ़ा है, तो
तो यहाँ पर मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप इन क्वेश्चन को समझो, जिससे आपको क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाता है तो आपको थ्योरी पढ़ने में थोड़ा समझ में आती है कि हमें क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उसे। तो क्वेश्चन को साथ में लेके चलना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्ट बना रहा है आपका। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ लो टेम्परेचर में हमने, चलो अभी फ्रॉस्ट पढ़ लिया, स्नो को आगे देखेंगे तब आगे का मुद्दा है। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर यानी कि एक एस्पेक्ट देख लेते हैं फ्रॉस्ट वाला। तो बोला लो टेम्परेचर की प्लांट ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसकी आपको पॉजिटिव वाले भी देख लेना है, नेगेटिव वाले भी देखना है। पॉजिटिव वाला, प्लांट को मॉइस्चर का एक बहुत बड़ा सोर्स हो रहा है, प्लांट के लिए वीड कॉम्पिटिशन जो टाइप का है, वीड ग्रोथ हो रहा है, इस टाइप का कॉम्पिटिशन कम कर रहा है, दूसरे स्पीसीज को ग्रोथ होने से रोक रहा है, तो ये उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो गया, ये उसको डैमेज कर रहा है, कैसे, फ्रॉस्ट क्रैक है, कैंकर है, विल्टिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है, सॉइल हीविंग, अपलिफ्टिंग वगैरह से रूट डैमेज वगैरह कर रहा है, तो इस टाइप के नेगेटिव इफेक्ट है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये मैंने अभी आपको फ्रॉस्ट वाला पार्ट बताया, जब अपन स्नो पढ़ेंगे तो उसको भी यहीं जोड़ देना है। दूसरा 2010 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रीफली डिस्कस द लो टेम्परेचर इंजरीज इन फॉरेस्ट्रीज। तो 5 मार्क का क्वेश्चन था, तो इसमें बस वही ज्यादा तो करना नहीं है, ये जो अपने 4-5 पढ़ा था, फ्रॉस्ट क्रैक है, सॉइल हीविंग है, कैंकर है, विल्टिंग है, उन्हीं को धराम से कर देने का। अब अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो नीचे 2 लाइन में उसको कैसे सॉल्यूशन है उसे लिख सकते हो, वैसे जब इंजरीज पूछी है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो 4-5 लिखो और निकल लो आगे। 14 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल एंड एयर टेम्परेचर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ, ऑन द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। तो देखो सॉइल और एयर टेम्परेचर की एक ट्री यानी कि फॉरेस्ट ट्रीज की ग्रोथ के लिए क्यों जरूरी है, तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी प्लांट जब ग्रोथ करता है तो ग्रोथ के लिए 3 चीजें हैं, एक तो प्लांट खुद और उसके आसपास का बायोटा, जो ऑर्गेनिज्म है जो उसे सपोर्ट करते हैं, माइक्रोबियल जो है सॉइल के ऑर्गेनिज्म है वो। तो सॉइल ऑर्गेनिज्म मतलब सॉइल का टेम्परेचर उन पर इफेक्ट करेगा, सॉइल की मॉइस्चर उन पर इफेक्ट करेगी, और जो एयर में जो उनका पार्ट है उनका क्या है, मेटाबॉलिज्म, दूसरा उनके एंजाइम्स। तो मेटाबॉलिज्म एंजाइम कैसे इफेक्ट करेंगे एयर के बोस पे, जैसे एयर टेम्परेचर पे क्या होगा, ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा रेट होगा, मतलब मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट कर रहा है, एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर जाने पर उनके एंजाइम डीजनरेट हो जाते हैं, वो इफेक्ट हो गया। सॉइल का टेम्परेचर अगर लो चला गया तो उसका इफेक्ट हो गया, वो फ्रीज हो जाते हैं, विल्टिंग वाला इशू बन जाएगा, या माइक्रोबियल एक्टिविटी अगर, हाँ, एक एयर में अगर टेम्परेचर नीचे डाउन चला जा रहा है, जैसे कॉनिफर्स में हो रहा था, तो वहाँ नीचे पूरा पूरा मैकेनिकल बैरियर, वो जो लीफ लिटर है वो नीचे जम जाता है पूरा पूरा, और वो मतलब लीफ लिटर जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता, और वहाँ पर नीचे पड़ा पड़ा होकर के एक एक, एक फिट की, 1.5 फिट की मोटी एक लेयर बना लेता है। तो इस टाइप से वो फिर वो लेयर जो है वो मैकेनिकल बैरियर का काम करता है, आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये इसके इफेक्ट होता है, आगे खत्म करेंगे तो इन चीज़ों को धीरे धीरे करके और क्लियर हो जाएंगे आपको। अब अपना मुद्दा आ जाता है यहाँ स्नो वाला, फ्रॉस्ट खत्म हो गया है, स्नो के साथ भी वही चीजें हैं हो गई, हम स्नो के पहले नेगेटिव इफेक्ट देख लेंगे जो अपना मेन मुद्दा चलेगा, फिर पॉजिटिव इफेक्ट देख लेंगे, फिर स्नो से कैसे प्लांट ने अडेप्ट किया है, स्नो से अडेप्ट यानी कि वो लो टेम्परेचर की सेम ही चलेगा प्लांट का अडेप्टेशन, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, जब भी स्नो किसी एरिया में पड़ती है तो ये धीरे धीरे डिपॉजिट होती जाती है, तो प्लांट के ऊपर इतना ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी होती है कि जब एक लिमिट के बाद इसकी जो ब्रांचेज हैं, जब उसे होल्ड नहीं कर पाती है तो ब्रांचेज टूट जाती है। इस टाइप से इसे मैकेनिकल बैरियर बहुत, मतलब एक टाइप से जो मैकेनिकल डैमेज पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा पहुंचता है। दूसरा आपको ये पता है जो स्नो स्लाइडिंग हो जाती है, अपने सियाचिन वाले में किस में होता है, कई बार लोग काफ़ी ज़्यादा डेथ हो जाती है, तो उसमें भी क्या है कि जब एक बार ये ऊपर से स्नो फ्यूज स्लाइडिंग हुई इसकी बर्फ की, तो फिर इसके रास्ते में कोई भी वेजिटेशन आ जाए सब कुछ साफ कर देते हैं। तीसरा क्या होता है, देखो एक प्लांट है ये, इसकी ये है लीफ, अब लीफ पे जो मॉइस्चर है वो कौन सी मॉइस्चर है, वही है जो इसमें ट्रांसपायरेशन में ये ऊपर उड़ रही है, ठीक है, ये मॉइस्चर एक लिमिट में ही है, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं है,
और अगर टेम्परेचर डाउन है कोल्ड एरिया के, जैसे देवदार है, जब टेम्परेचर काफी डाउन है तो ये ट्रांसपिरेशन रेट भी बहुत कम होती है। इस केस में क्या है कि जब लीफ के पास मॉइस्चर ही कम है तो कोई फंजाई जैसी चीजें उसके ऊपर, लीफ के ऊपर अगर गिर भी गई तो क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि वो वहां पर जर्मिनेट ही नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर जैसे फ्रॉस्ट या स्नो जैसी चीजें हो जाती हैं, खासकर स्नो, तो स्नो क्या होती है कि लीफ के ऊपर पूरे पूरी बर्फबारी एक टाइप की मॉइस्चर अवेलेबल करवा दिया, तो जो फंगल स्पोर है, फंजाई, फंजाई के जो स्पोर है या फंजाई के जो थ्रेड है फिलामेंट, वो लीफ के ऊपर आकर के जर्मिनेट हो जाते हैं और इसका इफेक्ट पड़ता है कि जो फंजाई से रिलेटेड, जो लीफ से रिलेटेड जो डिजीज है वो क्रिएट करने में भी एक नेगेटिव रोल कर देता है। कौन? स्नो। ध्यान रहे यार, लीव्स ये कॉनिफर्स की नहीं है, लेकिन कॉनिफर्स की लीव इतनी पतली होती है कि उसे आपको दिखाना यहाँ पिक्चर में पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये बड़ी एक लीव दिखा दिया आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको होगा इसके नेगेटिव, लेकिन क्या इसके केवल नेगेटिव ही है? आपको पता है कि आपके यहाँ जो स्नोफॉल होती है वो फ्रेश वाटर का अपना जो रिवर्स है, माउंटेन रिवर्स है, वो एक मेन सोर्स है ये। इसके अलावा इन दोनों से ही क्वेश्चन आया है, लगभग दो क्वेश्चन आ चुके हैं इस पॉइंट से। पहले केस समझते हैं अपन एप्पल का। आपने सुना होगा कि जिस साल जो स्नोफॉल है वो बहुत अच्छा होता है, उस साल जो एप्पल है उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और एप्पल का फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्लांट का अडेप्टेशन है। प्लांट मतलब मैं जस्ट सिंपल वे में बोलूंगा कि प्लांट को एक टाइप से आंखें तो है नहीं, तो जब स्नोफॉल ज्यादा होता है तो जो उसका प्लांट की जो ब्रांचेज है उन्हें जब कोल्ड एक लिमिट से ज्यादा पहुंचता है उनकी बॉडी के अंदर, तो प्लांट को ये दिमाग में समझ में आ जाता है कि इस साल स्नोफॉल बहुत ज्यादा हुई है, इसका मतलब है कि इस साल मॉइस्चर जो है वो बहुत अच्छी है। जब मॉइस्चर बहुत अच्छी है तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर ये एप्पल जो है वो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा सीड प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा सीड मतलब ज्यादा एप्पल की नई जनरेशन। तो एक लिमिट में जनरेशन जनरली करता था, लेकिन उस साल वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ गया कि इस साल पानी अच्छा अवेलेबल है, तो इस साल ज्यादा सीड प्रोड्यूस भी कर देंगे तो सबके साथ जर्मिनेट हो जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर जो स्नोफॉल है उसका जितना ज्यादा स्नोफॉल उतना एप्पल में ज्यादा फ्लावरिंग। सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है देवदार में। देवदार के एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है कि आप इसकी ब्रांचेज देखो, बिल्कुल ब्रांचेज जो है वो हॉरिजॉन्टल है, सीधी की सीधी जाती है, और ऐसा किसी भी कॉनिफर्स में जनरली नहीं मिलता है। ठीक है, सिमिलरली ये जो मैकेनिकल डैमेज था ना, जहाँ स्नोफॉल का जो मैकेनिकल है वो इसी पे, देवदार पे भी बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ब्रांचेज इसकी सीधी की सीधी है, तो जब इसकी ब्रांचेज पे यहाँ पर जो फ्रॉस्ट पड़ती रहेगी तो ये सीधा भारी बहुत हो जाती है। अदर कॉनिफर्स तो सीधे ट्रेंगुलर शेप के बना रहे हैं तो साइड में झड़ जाती है, लेकिन देवदार के साथ थोड़ा इशू होता है, ये कभी कभी थोड़ा इस टाइप का गोल सा बना लेता है, तो बिल्कुल ट्रेंगुलर ना होकर के इस पर डिपोजिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। है कॉनिफर्स ये भी, तो सेम कॉन्सेप्ट देवदार के साथ है। जिस साल स्नोफॉल ज्यादा होगी, देखो देवदार जो सीड प्रोड्यूस है वो जनरली उसी टाइम पे करेगा, कब? स्नोफॉल का इफेक्ट पड़ेगा, देवदार के में भी दिमाग में यही जाएगा कि इस साल मॉइस्चर बहुत अच्छी है, मतलब दर फ्रूट जो है उन्हें प्रोड्यूस करो। हाँ ये बात अलग है, कुछ एक डेढ़ साल लग जाते हैं उस पूरी साइकिल को कवर करने में फ्रूट के, लेकिन कम से कम उसके दिमाग में जो गया वो उसी टाइप का है, तो उसमें भी यही होगा कि जिस साल अच्छी स्नोफॉल उस साल अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। अब इसका अपने लिए क्या इम्पैक्ट है? एक तो सीधा सीधा देवदार से पूछा गया, दूसरा ये होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज किसी फॉरेस्ट की फिनोलॉजी को इफेक्ट कर रही है। तो देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल फिनोलॉजी क्या होता है कि कोई प्लांट होता है वो पूरा एक साल के अंदर किस टाइप की एक्सटर्नल बिहेवियर चेंज करता है, कब फ्लावरिंग है, कब फ्रूटिंग है, कब लीफ फॉल हो रहा है, तो ये जो बिहेवियर है एक साल का उसको हम फिनोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो ये फॉरेस्ट है जैसे कि देवदार था, आज से 100 साल पहले इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग है वो 2 महीने चलती थी, लेकिन अब क्योंकि स्नोफॉल कम हो पा रहा है तो इससे जो
टेम्परेचर का जो इंडक्शन मिल रहा था, ये जो टेम्परेचर का जो एक इफेक्ट मिल रहा था इसको, वो कम हो गया। तो अब इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो 2 महीने होती थी वो 15 दिन से खोल के रह गई। तो इस टाइप से आपका जो फिनोलॉजी उसमें वेरिएशन आ गया। तो ये यही क्वेश्चन आया था। अब इसकी एक एक्सरसाइज और देख लेंगे। अब मुद्दा है स्नो में कैसे अडेप्टेशन है, तो मैंने वही बोला कि कोल्ड एरिया के जो है अडेप्टेशन वाले में पढ़ेंगे, तो इसे वहीं पर निपटाएंगे। अब मुद्दा है वहीं पर अपना एक्सरसाइज जो पुरानी साथ थी उसको एक बार देख लेते हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्लांट। लो टेम्परेचर का इफेक्ट था प्लांट पर, तो वही देखो नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में आपने किसके देखे थे, नेगेटिव लिखो। इसके पहले तो लिख दो सीधा फ्रॉस्ट वाले, जैसे कि फ्रॉस्ट कैंकर था, फ्रॉस्ट से वो विल्टिंग हो रही थी, सोयल हीविंग या अपलिफ्टिंग हो रही थी, ठीक है, क्रैक्स हो रहे थे। इसके साथ साथ स्नो वाले कौन कौन से हैं, मैकेनिकल डैम जो उसे मैकेनिकल डैमेज पहुंचा रहा था, ठीक है। इसके फिर इफेक्ट है ना, तो इफेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव तो पूछा नहीं है, तो आपने जब नेगेटिव लिख दिया तो अब इसके बाद मुझे नेगेटिव लिख दिया है, तो अब आप पॉजिटिव लिखो। पॉजिटिव भी किसके, दोनों के। जैसे वहां पर वो क्या कर रहा था, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में हेल्प कर रहा था, वो तो स्नो भी करेगा, लेकिन यहाँ स्नो का दूसरा बकाया रोल क्या आ गया, जैसे देवदार और एप्पल वाली चीजें आ गई, तो उन्हें करके क्वेश्चन आसानी से थोड़ा बड़ा भी बन जाता अपना जितना चाहिए। अगर 2-4 पॉइंट भूल भी गए तब भी इनफ फुटर होता अपने पास। ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसका कोई इशू नहीं है और इसे अपन डिस्कस कर ही चुके थे। अब अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं जो अपने स्नो से रिलेटेड थी। जैसे यहाँ पर था इम्पोर्टेंस ऑफ स्नो इन रीजनरेशन ऑफ सेडरस देवदारा। तो मैंने आपको बोला कि जैसे स्नो पड़ती है, स्नो उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना ज्यादा स्नोफॉल उस साल उतनी ज्यादा फ्लावरिंग, क्योंकि देवदार जो है उसे जो चिलिंग ट्रीटमेंट मिलता है या कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है उसी से वो इंड्यूस होता है। दूसरा है हाउ स्नो अफेक्ट द फॉरेस्ट वेजिटेशन। ये स्नो कैसे फॉरेस्ट वेजिटेशन को इफेक्ट कर रही है। अभी 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको कोई पेज थोड़ी लिखना है, एक पैराग्राफ में काम हो जाता है आपका। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि स्नो है वो इफेक्ट कर रहा है इसकी फिनोलॉजी को, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट वेजिटेशन को कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो फिनोलॉजी वाला मुद्दा आ गया। स्नो से उसकी जो प्रोडक्शन है, अगर कोई स्पीसीज पहले के कंपेयर में कम प्रोड्यूस कर पा रही है, एप्पल का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है सपोज टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कभी एप्पल जो है वो देहरादून वैली में होता होगा, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ का टेम्परेचर नीचे जाता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, वहाँ एप्पल प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। तो कोई स्पीसीज है जो वहाँ से ख़त्म ही हो गई, तो वहाँ की फॉरेस्ट वेजिटेशन चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट वेजिटेशन के कंपोजिशन को चेंज करेंगी, या फिर इसे आप ग्लोबल वार्मिंग से भी जोड़ के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अब अपना जो सोलर रेडिएशन था, टेम्परेचर था, ये 2 पॉइंट जो थे ये अपने हो चुके हैं। अब अपना 3rd पॉइंट बचेगा विंड। तो इसे विंड को देख लेते हैं। पहला तो आपको समझ में आना चाहिए कि विंड होता है क्या है। कुछ नहीं होता कि एयर का एक मास है, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करके चला जाता है। किसकी वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। तो जो मूवमेंट ऑफ एयर मास है उसी को हम विंड बोल देते हैं। ऑब्वियसली अब विंड मूव करेगी तो उसकी स्पीड में वेरिएशन होगी, काम कंडीशन में या तेजी से जा रही है, फास्ट जा रही है, तो जब भी होगी तो हमेशा आपको बेनिफिट देगी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बेनिफिट होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव है और नेगेटिव, और जो दोनों ही हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो दोनों के दोनों आपको डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं होता अपना, बस क्या है समझने में आसानी के लिए अपन उन्हें डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब पहले अपन नेगेटिव अगर देख लिया जाए तो नेगेटिव में सबसे पहला तो क्या होता है, जो हिल्स रीजन है, हिल्स रीजन में आपको पता है कि सॉइल में ज़्यादातर तो मॉइस्चर तो एक लिमिट से ज़्यादा मिलती नहीं है, तो इसके पास पहले से ही स्ट्रेस होता है। दूसरा, जब विंड तेजी से चलती है इस रीजन में तो प्लांट से इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इतना इवेपोरेशन हो जाता है कि प्लांट को अपने आप को संभालने के लिए एक लिमिट से ज़्यादा हाइट नहीं जा पाती है, क्योंकि अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा ग्रो कर गया तो उसकी जो सॉइल है, सॉइल में ज़्यादा पकड़ तो होती नहीं, क्योंकि हिल रीजन जनरली थोड़ी रॉकी होती है, तो प्लांट को उड़ जाने का डर रहता है।
दूसरा क्या होता है, एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है, स्पीड बनी रहती है तो पेड़ अपने टेढ़े हो जाते हैं। एक जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो है फ्लैट ट्री। ये देखो ये क्या है, एक पहाड़ी है, हिल्स है, उसके ऊपर था ये जो उसके टॉप वाले रीजन है उस पर था। तो जनरली विंड जो है वो इस रीजन से ब्लो हो रही है। अब होने से क्या होगा कि इस प्लांट के ब्रांचे तो इधर भी निकली होंगी, इधर भी निकली होंगी, लेकिन इस साइड के जो ब्रांचेज हैं वो कंटिन्यू इसकी विंड को के फोर्स को फेस करती रही। तो इससे क्या हुआ, एक तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई प्रॉपरली, दूसरा कभी विंड तेज आ गई तो ये टूट गई। तो इस टाइप से इस रीजन में की जो विंड है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। जैसे यहाँ पर आपको थोड़ी छोटी सी ब्रांच दिख गई, वो एक लिमिट में ग्रो कर पाती है, जबकि इस साइड की जो ब्रांचेज है उनको ये विंड कोई ज्यादा दे नहीं रहा था। ब्रांचेज भी इधर को है और विंड भी इधर को ही चल रहा, तो ये इसे ज्यादा सपोर्ट कर देती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर जो पेड़ बन रहा है वो जनरली एक टाइप से फ्लैग ट्री टाइप के बन जाते हैं। मतलब जैसे इनका पूरक पूरा, जैसे अपना फ्लैग होता है वो एक डंडा सा हो गया जो इनका मेन स्टेम, और पूरक पूरा एक साइड को क्राउन हो जाता है। तीसरा, अपने जब आंधी आ जाती है तो प्लांट है वो अपरूट हो गया। इसके अलावा ठीक है, बेंडिंग हो गई है, विंड थ्रो या विंड ब्रेक हो गए हैं, और कभी कभी जैसे अपना टिम्बर जो रैप्चर है वो भी हो जाती है, रैप्चरिंग के इशू आ जाते हैं। तो अगर टिम्बर रैप्चर हो गया या क्राउन क्राउन कई बार थोड़ा झुक झुक हो जाता है इधर उधर को, जब टिम्बर रैप्चर हो गया तो फिर अपना ज़्यादा लॉस हो जाता है उसमें। इसके अलावा विंड में जो बचा हुआ है वो क्या है, जो इनडायरेक्ट जो डैमेजेज हैं इसके, वो इनडायरेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कहीं फॉरेस्ट फायर लग जाती है तो ये विंड उसे लेके दूसरे दूसरे घरों में और लगा के आ जाती है। मतलब जो दूसरे बीट पूरे फॉरेस्ट एरिया को इसी के हिसाब से कवर कर देती है। तीसरा, विंड तेज चलेगी तो तेजी तेज चलने से जो प्लांट में ट्रांसपिरेशन रेट है वो भी ज़्यादा हो जाती है, इवेपोरेशन ज़्यादा है। आपने विंड इरोजन सुन रखा है, विंड इरोजन को ये प्रमोट करेगी। और एक होता है अच्छा पॉइंट है, वो है साल्ट स्प्रे। ये साल्ट स्प्रे मैंग्रोव वाले पार्ट में भी बहुत पड़ोगे। ये होता क्या है, ये अपना कोस्टल एरिया है और ये है समुद्र। तो समुद्र में जब इवेपोरेशन होता है ऊपर पानी का, तो इसके साथ यहाँ साल्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं इसमें। तो जब ये विंड ब्लो होती है कोस्टल एरिया की तरफ, तो ये विंड के साथ साथ ये साल्ट पार्टिकल भी इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, जब ये साल्ट के पार्टिकल उसके ऊपर आ जाते हैं, जैसे ये पेड़ हो गया, तो इसकी जो एक लीफ ले लो, चलो सपोज ये लीफ है इसकी, तो ये साल्ट पार्टिकल इस लीफ के ऊपर आ जाएंगे तो क्या होगा, साल्ट है तो वो वाटर को हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को खींचेगा। दूसरा, साल्ट पार्टिकल उसके स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर चले जाते हैं। तो इस टाइप से साल्ट जो है वो लीफ के अंदर की जो मेटाबॉलिज्म की मैकेनिज्म है उसका कचड़ा कर देते हैं, कचूमर निकाल देते हैं, और इसका रिजल्ट होता है कि वो प्लांट है वो लीफ को झाड़ना ही पड़ता है। तो इस टाइप से प्लांट के साथ इशू पड़ जाते हैं, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन वाले। दूसरा है, ये केवल लीफ को ही लॉस नहीं पहुंचाते, दूसरा जो है जो अपनी सॉइल थी, ये जमीन जो थी, अगर फर्टाइल ग्राउंड है, जब कंटिन्यू साल्ट इस पे वो मिलते रहेंगे, कैसे, एक तो हवा के थ्रू, दूसरा ये प्लांट ने लीफ को झाड़ दी तो वो भी तो नीचे आ गई, फाइनली आना तो जमीन में, तो यहाँ की जो सॉइल है वो सेलाइन हो जाती है। तो ये दो इशू आ जाते हैं साल्ट स्प्रे के, तो कौन कर रहा है, विंड कर रही है। ठीक है, अगर विंड की, ये तो नेगेटिव है, इसके साथ साथ ऐसा थोड़ी कि नेगेटिव भी हो, इसके पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव कैसे है, इसके है डिस्ट्रीब्यूशन वाला। डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ समझते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि पूरे पूरे जो कॉनिफर्स हैं वो हिमालय में ही क्यों है, क्योंकि अगर कोई विंड यहाँ से ऐसी चल रही है तो यहाँ के पेड़ के जो सीड्स होंगे वो पूरे पूरे इसी रास्ते में लेके जाएगा और पूरे हिमालय में एक ही स्पीसीज बना रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो है किसी प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन में एक रोल प्ले कर देता है। दूसरा है सीड के डिस्पर्सल में। आप पढ़ोगे आगे कि ये कॉनिफर्स है, जैसे कि ये प्लांट है, एक प्लांट यहाँ पर लग रखा है, दूसरा यहाँ पर लग रखा है। जब विंड नीचे पहाड़ों से ऊपर को जाती है, इसके जो मेल पोलिन ग्रैंड है और इसके जो फीमेल फ्लावर है, तो इनके बीच में पॉलिनेशन करा देता है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन है, सीड डिस्पर्सन है, इन दोनों में ही काम कर देता है। आप बाद में जब फॉरेस्ट मेंसुरेशन पढ़ोगे तो उसमें एक आएगा टैपरिंग,
मतलब प्लांट जो है वो नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसका जो मेन स्टेम है वो पतला होता जाता है, तो जो टेपरिंग की रेट है वो भी एक जो मैट्सगर थ्योरी आएगी वहाँ पर, मैट्सगर बीम थ्योरी, ये जो टेपरिंग रेट है ये भी विंड उसको इफेक्ट करती है, या एक्चुअली विंड ही है जिसकी वजह से प्लांट टेपर होते हैं। अगर कहीं एक प्लांट होगा, अकेला पेड़ होगा, जैसे कि यहाँ पर ये शॉर्ट था, ये शॉर्ट क्यों रह गया, क्योंकि इस पर विंड का इफेक्ट ज़्यादा था तो ये बहुत तेजी से टेपर हुआ। अगर इसे विंड ने बिल्कुल गायब कर दोगे तो क्या होगा, कोई इधर उधर का बेंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई बेंट नहीं होने वाला है इसे, तो ये आराम से ऊपर बढ़ता जाएगा, तो रेट ऑफ टेपरिंग कम हो जाती है। ठीक है, आपने वो वहाँ पर फ्रॉस्ट में जो पढ़ा था एडवेक्टिव फ्रॉस्ट, तो वो भी क्या कर रही है, विंडी लेके आ रही है, और कैटाबैटिक एनाबैटिक विंड पढ़ोगे तो वो भी वहाँ विंड हो जाती है। विंड के अलावा अपनी आती है मॉइस्चर वाला, मॉइस्चर में वही है, एक मुद्दा होता है कि अपना कॉन्सेप्चुअल पार्ट में कि मॉइस्चर के टाइप होते हैं, तो मॉइस्चर या प्रिसिपिटेशन सीधा गिरते हैं, प्रिसिपिटेशन मतलब गिरना, इसके टाइप हो जाते हैं कि रेन है, ड्यू है, फॉग है, स्नो है, हेल है, अलग अलग टाइप है, जियोग्राफी वाला कॉन्सेप्ट है, अपने यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट में है रेनफॉल इन इंडिया, तो इंडिया में अपने आप बेसिकली चार टाइप की रेनफॉल होती है, ये जो इधर से आ रहा है वो अपना साउथ वेस्ट मानसून है, और जब ये वापस आता है तो अपना होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ जाता है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म कब आता है, जब अपने यहाँ गर्मियाँ शुरू हो रही होती हैं, तो गर्मियाँ शुरू होने से पहले जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो ये जो मस्करीन हाई जो बेसिन है वहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून आएगा, ऐसा थोड़ी कि यहाँ टेम्परेचर हाई हुआ, लो प्रेशर बेल्ट जनरेट हुआ, तो जैसे ही यहाँ हुआ वहाँ से सीधा दो दिन में आ गया। टाइम लगता है, ये टाइम लगेगा, मतलब सपोज अपने यहाँ तो अप्रैल से शुरू हो जाता है और ये आता है 1 जून को पहुँचता है केरला, मतलब अपने यहाँ 15 जून तक पहुँचता है, तो अप्रैल मई जून मतलब लगभग 2.5 महीने लग जाते हैं इसे यहाँ से पहुँचने में। तो क्या यहाँ पर 2.5 महीने तक ऐसे ही बैठे रहेंगे ये लोग, तो तब तक क्या होता है कि जो अपने बंगाल वे है यहाँ पर लो प्रेशर जो सेंटर है यहाँ से साइक्लोन बन जाते हैं और ये यहाँ पर रेनफॉल करा देते हैं, तो इन्हें बोलते हैं थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोनिक डिप्रेशन, तो ये बना देते हैं इस टाइम पर, इसमें मेनली थंडर स्टॉर्म बोलते हैं इसे। ठीक है, अब जब मानसून रिटर्न होने लगता है तब हम उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो देखो पहले कौन सा बना, पहले बना थंडर स्टॉर्म, इसके बाद आया साउथ वेस्ट मानसून, फिर साउथ वेस्ट मानसून एकदम रुक जाएगा, और जब वो रिटर्न होने लगता है तो रुकने मतलब साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून इनके बीच का जो कंडीशन है इसमें आते हैं साइक्लोन, तो इसमें बोलते हैं हम साइक्लोनिक डिप्रेशन। फिर आया नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है इसे तो बोलते हैं इस रीजन में, लेकिन जो अपना दिल्ली वाला हरियाणा पंजाब वाला रीजन है जो नॉर्थ इंडिया है इसमें से बोलते हैं वेस्टर्ली डिस्टरबेंस। ये वेस्टर्ली डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से जो अपना दिल्ली में टेम्परेचर 2 डिग्री हुआ। इसके अलावा कुछ टर्म और आते हैं, मैंगो सावर है, और फिर एक टर्म आता है कि किसी भी दिन को हम कब बोलेंगे कि आज रेन हुई है, रेनी डेज कब मानते हैं, कि जब किसी भी दिन अगर 2.5 mm से ज़्यादा रेनफॉल होती है तभी हम उस दिन को बोला जाता है कि रेनी डेज है। फिर मॉइस्चर के वही 2 इशू आते हैं, या तो सूखा पड़ गया या फ्लड आ गया, तो इसके यहाँ ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत अपनी है नहीं। फ्लड के जो रिलेटेड इशू आएंगे कि कहीं भी अगर फ्लड हो जाता है तो किस टाइप की प्लांट के साथ समस्याएं आती हैं, तो मैं यहाँ 2-3 बता देता हूँ, ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक ही आगे इसका, बट बेसिक बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो सॉयल है, प्लांट है, प्लांट की जो रूट्स है, रूट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन प्लस अदर जो एयर है वो। अब अगर यहाँ पर पानी भर जाएगा पूरे में तो ये एयर तो यहाँ की गायब हो जाएगी, तो एयर गायब हो जाएगी तो प्लांट की जो रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब रूट अपना काम करना रोक देंगे। इसका मतलब प्लांट को पानी तो खूब एब्जॉर्ब कर सकता है लेकिन अब पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करने के लिए रूट की जिंदा होना, रेस्पिरेशन करना जरूरी है, और ये रेस्पिरेशन नहीं कर पा रही तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो एक तो प्लांट के साथ। दूसरा क्या है, अब यहाँ जब ऑक्सीजन खत्म है, ऑक्सीजन तो है नहीं, इसका रिजल्ट हुआ कि यहाँ का जो मीडिया है वो होगा एनएरोबिक, तो इसमें जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है वो यहाँ पर
रिएक्शन बढ़ा देते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो जो पॉइजनस केमिकल रिलीज करने शुरू कर देते हैं, वो प्लांट को और लॉस पहुंचाते हैं। तीसरा क्या है कि जब ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ये मॉइस्चर क्या ऊपर से नीचे परकुलेट होगा ना, तो जो सॉयल की जो अपर लेयर थी जिसमें जो न्यूट्रिएंट थे, उन्हें भी ये वाटर परकुलेट करके उसके लोअर लेयर में लेके चला जाएगा। तो ये प्लांट की जो है वो रूट्स तो इसी रीजन तक रहती थी, जब ये नीचे ज़्यादा में चला जाएगा तो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो एक टाइप से ये भी लॉस हो जाता है प्लांट का। यहाँ पर अपना जो ये चैप्टर था ये खत्म हो जाता है। इसका एक लास्ट में जस्ट एक इफेक्ट मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ विंड ऑन फॉरेस्ट वेजिटेशन। तो विंड फॉरेस्ट वेजिटेशन को कैसे इफेक्ट कर रही है, तो आपको उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दोनों ही देख सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे है कि वो प्लांट जो फॉरेस्ट है जो टॉप वाले रीजन में है, यानी कि हिल के जो टॉप्स है, वहाँ पर या तो वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि विंड का इफेक्ट ज्यादा है। जैसे जिसका एक एग्जाम्पल अपना सोला फॉरेस्ट, तो वो क्यों है, क्योंकि विंड इफेक्ट ज्यादा है कि जो कोई पहाड़ी है तो उसकी जो बीच में है पैचेज है, यहीं पर फॉरेस्ट वेजिटेशन है, रिमेनिंग पर पूरी पूरी ग्रास हो रखी है। ये क्या है, ग्रासेस। तो ग्रासेस विद स्कैटर्ड पैचेस ऑफ ट्री वेजिटेशन, उसे बोलते हैं सोला फॉरेस्ट। क्यों है, क्योंकि हाइट एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो वहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। दूसरा आपका ये फ्लैग ट्री का बता दिया है, ट्री को बेंड कर देते हैं, विंड थ्रो हो जाती है, टिम्बर में रैप्चरिंग हो जाती है। इसके अलावा जो उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट है, फॉरेस्ट फायर वाले, ट्रांसपिरेशन रेट है, एवेपोरेशन है, विंड इरोजन है, साल्ट स्प्रे, उन चीज़ों को लेकर रख देने का। ये तो नेगेटिव है, केवल नेगेटिव नहीं लिखने का, जब आपसे इफेक्ट बोला गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे और आपको दोनों ही लिखना होगा। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं, वो है अपना एडाफिक फैक्टर। एडाफिक फैक्टर में जनरली अपन को तीन चीज़ें ही पढ़नी है। देखो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि फॉरेस्ट सॉइल क्या है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर अपन सॉइल फॉर्मेशन एक्चुअली जो है इसको सॉइल फॉर्मेशन टर्म यूज ना करके फॉरेस्टी वाले उसे टर्म यूज करते हैं, पीडोजेनेसिस या पीडोलॉजी। बेसिक चीज़ें वही है बट यहाँ टर्म अलग हो जाता है। बस ये कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट्स में जो डिफरेंस है ना, उसी टाइप का थोड़ा वेरिएशन है इसमें। तो सॉइल फॉर्मेशन मतलब पीडोजेनेसिस, फिर सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में और जो वर्ल्ड लेवल पे हम उसे देखेंगे, और फिर सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, इनको देखेंगे। ये जो पॉइंट है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो इसे अपन को यहाँ डिस्कस नहीं करना है। इसके लिए अपना जो सेक्शन बी है पेपर वन का पूरा सब्जेक्ट ही इसी पे है, फॉरेस्ट सॉइल। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम वहाँ डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। यहाँ पर हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो इसके एप्लीकेशन पार्ट पे है। क्यों, क्योंकि सॉइल में तीन मेन चीजें हैं। एक तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक तो फंजाई है और दूसरा कुछ बैक्टीरिया वगैरह है, वो तो जो उसको सपोर्ट करते हैं प्लांट को वो है। और तीसरा मुद्दा आता है अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट का। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो एक्चुअली इधर का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि इससे यहाँ पर थोड़ा लिंक क्वेश्चन है, इसलिए इसे थोड़ा हम यहाँ पर भी डिटेल में देख लेते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले अपन देखते हैं माइकोराइजा होता क्या है। देखो माइको का मतलब टर्म होता है, जो माइको है ये टर्म यूज किया जाता है फंजाई के लिए, ठीक है। और राइजा जो टर्म है, राइजा मतलब होता है रूट्स, राइजोम, राइजोस्फीयर यानी कि रूट्स। तो माइकोराइजा मतलब फंजाई है वो रूट से जुड़ रखी है। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो फंजाई के साथ क्या इशू है, आपको पहले फंजाई को समझना पड़ेगा। फंजाई जो आपने कभी जनरल बॉटनी का भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्लांट किंगडम में जो प्लांट्स हैं उन्हें पांच टाइप के ऑर्गेनिज्म में रखा जाता है, उनमें से एक किंगडम है वो है फंजाई का। फंजाई ऐसे प्लांट्स हैं जो सफेद रंग के होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड का सिंथेसिस खुद नहीं कर सकते, इन्हें फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड कर रहना पड़ता है, ठीक है। यही वजह से इन्हें प्लांट से थोड़ा अलग रखा गया फाइव किंगडम सिस्टम में। लेकिन जो मॉडर्न प्लांट का क्लासिफिकेशन है उसमें फंजाई को उसी के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ फंजाई क्या कर रहा है, फूड के लिए जो प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि एक छोटा सा प्लांट है, इसकी ये रूट्स है, जैसे कि ये रूट है, आप रूट में देख रहे हो ये वाइट 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 टाइप का लग रखा है, ये क्या है, ये फंजाई है, ये पूरी की पूरी फंजाई गुथ पड़ी है इससे। अब ऐसा क्यों है,
इससे फायदा क्या है? आप उधर पढ़ रहे हो फॉरेस्ट पैथोलॉजी में कि फंजाई है वो निगेटिव कर रही है, प्लांट को मार रही है, विल्टिंग कर रही है। अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था फॉर्म्स को, जो कॉनिफर से उनकी लीफ पे उग करके, जो स्नोफॉल वाले टॉपिक में, लीफ पे उग करके उनके अंदर डिजीज कर रही है, और यहाँ रूट में हम बोल रहे हैं कि फंजाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ऐसा। तो देखो वही है जैसे इंसान होते हैं कि कुछ टेढ़े टाइप के होते हैं जो हमेशा लॉस पहुंचाते हैं, और कुछ जो हमें सपोर्ट करते हैं, वैसे ये फंजाई के साथ है। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो डिजीज क्रिएट करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। एक तो जैसे फंजाई मशरूम है, फंजाई है जैसे हम खाते भी हैं, जबकि जो हमारे जो स्किन डिजीज है बहुत सारे फंजाई क्रिएट करती है। तो अलग अलग कैटेगरी उनकी, यहाँ पर फंजाई है क्या? तो पहले हमें फंजाई का रोल समझ में आता है। फंजाई यहाँ कर क्या रही है? फंजाई को चाहिए फूड, तो प्लांट से बोलती है कि भाई तुम हमें फूड दे दो। तो प्लांट बोलता है तुम बदले में हमें क्या दोगे? तो बोला एक काम करेंगे, देखो तुम्हारी औकात नहीं है, यहाँ की जो सॉयल है या जो जमीन है इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, वो फिक्स फॉर्म में है। आपकी औकात नहीं है कि आप उनको एब्जॉर्ब कर सको, हम उन्हें एब्जॉर्ब करके तुम्हें दे देंगे। दूसरा, आपके पास जो रूट्स हैं उन तो लिमिटेड हैं, आपके पास रूट हेयर भी लिमिटेड है, हम आपके आसपास ग्रो करके आपकी जो टोटल एब्जॉर्प्शन एरिया उसको 12-13 गुना बढ़ा देंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर सपोज एक रूट का फिलामेंट था, उस पर ऐसे फंजाई के फिलामेंट जुड़ गए, तो टोटल सरफेस एरिया तो बहुत बढ़ा दिया ना इसने। तो इस टाइप से ये बोल रहा है कि हम इस टाइप से सरफेस एरिया बहुत गुना, 10-12 गुना बढ़ा देंगे। इससे रिजल्ट क्या होगा कि तुम्हें वाटर भी बहुत अच्छी तरह से मिलेगा और मिनरल्स भी बहुत दर तरीके से मिलेंगे। तीसरा, हम कुछ हार्मोन वाले भी देंगे, हार्मोन वगैरह भी देंगे। और चौथा, वो जो मैंने मिनरल्स के बोला उन्हें भी, या आने वाले फॉर्म वाले मिनरल्स हैं उन्हें भी आपको दे देंगे। इससे रिजल्ट ये होगा कि आप यहाँ पर फेल्योर नहीं होगे, आपकी डेथ नहीं होगी, यहाँ आप सिक्योर हो जाओगे। और फंजाई को क्या मिलेगा? आप जो फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बना रहा है वो थोड़ा थोड़ा हमें शेयर करते रहे। तो इस टाइप से एक सिम्बायोटिक रिलेशन बन गया। तो माइकोराइजा है क्या? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, किसमें? फंजाई और ये हायर प्लांट के बीच में। मैंने जैसे आपको बोला कि फंजाई को भी प्लांट के अंदर रखा गया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांट को एक टाइप से डिवाइडेड कर रखा है। जैसे इन्हें बोल दिया ये छोटे वाले टाइप के हैं, ये जो आज की जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है उन्हें टॉप पे रखा गया है। तो इसलिए इन्हें डेवलप्ड वाले, जैसे अपने एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इन्हें डेवलप्ड में, जैसे ये एंजियोस्पर्म है यहाँ पर रख दिया जाता है, जिम्नोस्पर्म यहाँ आते हैं, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट, और यहाँ पर आता है एल्गी। तो ये है लोअर लोअर प्लांट्स और ये है हायर प्लांट्स। तो ये एक टाइप से सिम्बायोटिक रिलेशन है बिटवीन लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट, या सिम्बायोटिक रिलेशन है बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट्स। ओके, अब अगर आपको माइकोराइजा समझ में आ गया, तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके टाइप कितने हैं। तो देखो बेसिकली ये दो टाइप का है, लेकिन ध्यान रहे आप एग्जाम में दो नहीं लिखोगे, आप इसको एग्जाम में तीन लिखोगे। मैं तीसरा भी बताऊंगा कैसे होता है। ये दो है, एक है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा है एंडोमाइकोराइजा। पहले समझते हैं एक्टो। एक्टो का मतलब होता है आउटर, बाहर है। इसमें क्या होता है कि जो फंजाई के जो फिलामेंट है, मीन्स रेसे जैसे, ये क्या होता है कि जैसे एक प्लांट है, सपोज ये एक रूट थी, ये एक रूट थी, ये जो फिलामेंट है इसके आउटर बाउंड्री पे ही लगे हुए हैं, आउटर बाउंड्री पे दर तरीके से गुथ करके एक टाइप से एक कवर बना लेते हैं, एक मेंटल बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं फंगल मेंटल या फंगल सीथ, फंगल सीथ या फंगल मेंटल बोल देते हैं, जैसे कि पूरी पूरी चारों तरफ से गुथ के बना दी। दूसरा, इसमें कभी कभी फिलामेंट जो है वो अंदर घुस जाएंगे। देखो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, जो फिलामेंट है वो अंदर तो पेनिट्रेट हो रहा है लेकिन वो दो सेलों के बीच में है, कोई भी फिलामेंट सेल के अंदर नहीं घुस रहा है, सेल के सरफेस सरफेस पे है, यानी कि सेल के बाहर है, इसलिए इसे हम बोलते हैं एक्टो माइको। एक्टो मतलब बाहर, माइको मतलब फंजाई, राइजा मतलब रूट, तो माइकोराइजा जो है वो एक्टो माइकोराइजा है, जिसमें फंजाई है वो सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट, सेल के कांटेक्ट में, सेल शेप के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है।
इस केस में ये दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मैंने बोला फर्स्ट टर्म याद रखना, वो है फंगल मेंटल। दूसरा एक टर्म आता है हर्टिंग नेट, हर्टिंग नेट। एमसीक्यू वाले तो इसे रट्टा मार लें दोनों टर्मों को, एक फंगल मेंटल है, दूसरा है हर्टिंग नेट। तो नेट मतलब नेटवर्क, तो ये जो अंदर घुस रहा है ये एक टाइप का नेटवर्क बना लेता है। तो बाहर इसने मेंटल बनाया और अंदर एक नेटवर्क बनाया माइसिलियम का। तो जो एक्टोमाइकोराइजा है वो दो टाइप का फंगल मेंटल और हर्टिंग नेट टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है। ये सेल के कॉन्टेक्ट में तो है लेकिन सेल शेप के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जैसे कि अपना रूट था, ये रूट जो है उसी का ये स्मॉल सेक्शन को तो हमने यहाँ पर लेके रखा है। तो ये जो रूट था इसमें क्या है, ये बाहर देखो, अब ये यहाँ पर बाहर जुड़े थे क्योंकि सेल के अंदर तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे ही नहीं। अब जब कोई फंजाई है वो सीधा अंदर घुस के सेल के सेल शेप के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मिला ले, मतलब सेल के अंदर घुस गया है, अंदर चला गया, इसलिए उसे बोलते हैं एंडो, अंदर चला गया। अब जब ये अंदर चला गया है तो इसे बाहर जुड़ने की क्या जरूरत है, बाहर जुड़ क्यों रहा था, जुड़ इसीलिए रहा था क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेलों के कॉन्टेक्ट में आ जाए। जब सेल के शेप से सीधा कॉन्टेक्ट में आ गया तो अब इसे बाहर जो रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फिलामेंट अंदर चला गया वो सेल शेप से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है और ये जो बाहर से एब्जॉर्ब करके आ रहा है वो सीधा के सीधा सेल को दे रहा है और सेल से फूड सीधा सीधा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्योंकि अब फिलामेंट जो है वो सेल के अंदर चलेगा इसलिए इसे बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो इसमें जो हर्टिंग नेट और जो फंगल मेंटल है वो चीजें नहीं बनेंगी। तो अब आपको दो टाइप के माइकोराइजा समझ में आ गए, एक है एक्टो और दूसरा है एंडो। तो फिर यहाँ पर जो अपन ने तीसरा है वो क्या है, तो देखो भाई ऐसा है कि ना तो कभी 100% एक्टो होता है और ना ही कभी 100% एंडो होता है। एक तीसरा टाइप है जिसे बोलते हम एक्टो एंडो माइकोराइजा, ठीक है, माइको राइजा। यहाँ पर राइजा जब लिखो तो ये याद रखना ये डबल आर के बाद एच आता है, ये कई बार क्या होता है सिंगल आर के बाद आर आई जेड ए कर दिया जाता है। तो एक्टो एंडो माइकोराइजा मतलब ये ऐसी कंडीशन होगी जिसमें दोनों ही टाइप की माइकोराइजा एक साथ प्लांट के साथ होंगे। तो पहला होगा एक्टो माइकोराइजा, दूसरा एंडो माइकोराइजा और तीसरा होगा एक्टो एंडो माइकोराइजा। कभी कभी देखो एंडो माइकोराइजा में ये जो है इसका जो वेस्कुलर टिश्यू है यानी कि ये सेल है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बना दिया जाता है, तो इसलिए इसको कभी कभी एक टर्म यूज किया जाता है वैम, वेस्कुलर आर वेस्कुलर माइकोराइजा। वैम टर्म कभी कभी एंडो को बोल देते हैं या फिर एक्टो एंडो वाला है उसको भी वैम में बोल देते हैं, ठीक है। अब माइकोराइजा के ऊपर जो डिफरेंस है एक्टो और एंडो का, ये एक्टो वाला है इसे अपन अच्छी तरह से देख चुके हैं, या हर्टिंग नेट को भी देख चुके हैं और फंगल सीट या फंगल मेंटल को भी बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। अब इसका जो डिफरेंस है इस पर लगभग 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं करंट ईयर में, इससे पुराने तो पहले दर आते रहे। तो आप डिफरेंस देखो, ये एक्टो हो गया ये एंडो है। तो आपको पता है कि ये जो फंजाई है जो सेल शेप के साथ अंदर कॉन्टेक्ट बना रही है तो ये वाली तो ना हो पाए, क्योंकि अगर यही टाइप के लोग होते तो वो तो यहाँ भी बना लेते ना। तो ये ऐसा है कि ये जो शुरुआत करते हैं ABCD वाले जो होते हैं एस्कोमाइसिटी और बेसिडियोमाइसिटी, देखो फंजाई के पूरे 5 ग्रुप होते हैं, यहाँ पर अपन को 3 ही पढ़ना है, कूमाइसिटीज वगैरह भी और भी हैं। तो यहाँ एस्को और बेसिडियो ए और बी वाले जो है एस्को और ये भसड़ करने वाले हैं बेसिडियोमाइसिटीज, ये दोनों बनाते हैं एक्टो वाले। क्या इसे ऐसे समझ लो कि जो गिनती की शुरू करते हैं ABCD से शुरू करते हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो ऊपर ही ऊपर लेवल पढ़ पाते हैं, और जो लोग बहुत बाद में आते हैं उन्हें ऊपर वाला का पूरा नॉलेज होता है तो वो बहुत अंदर डीप तक चले जाते हैं। तो ये एस्को और बेसिडियो वाले हैं वो है एक्टो वाले, और जो फाइकोमाइसिटीज है ये बनाता है एंडोमाइकोराइजा, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं वैम फंजाई, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि ये देखो जो स्टार्टिंग वाले हैं
ये बहुत ज्यादा तो पॉजिटिव नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये भारी बार में है। सेल को जो बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट चाहिए, सीधा पीएम टू पीएम जो कॉन्टेक्ट चाहिए, वो इस टाइप का नहीं है। तो ये ज्यादातर कॉनिफर्स में मिल पाता है और ज्यादातर प्लांट में नहीं है। तो ये मेनली किसमें मिलेगा? कॉनिफर्स में। कॉनिफर्स मतलब पाइनेसी, जिसमें अपने पाइनस, देवदार, फिर स्प्रूस, ये जो भी दुनिया भर के मिलेंगे वो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको दो एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से याद रखना, उसमें एक है यूकेलिप्टस। ये जब भी ये ट्रिपल स्टार मिला है तो ये जो एमसीक्यू की तैयारी कर रहा है वो ये समझ ले कि ये स्टार का मतलब होता है इस टाइप के क्वेश्चन जो है या ये पॉइंट है वो दर पूछा गया है थोके भाव में। और जो दूसरे लोग हैं जो रिटर्न दे रहा है वो कम से कम ये याद रखें कि अगर याद रह जाए तो उन्हें अच्छा है, क्योंकि ये कॉमन से एग्जांपल होते हैं और ये टीचरों को भी पता होते हैं। तो अगर इन्हीं को कोट करोगे तो थोड़ा इजी जाता है दोनों लोगों के लिए। दूसरा है ये डायप्टेरोकार्पेसी। डायप्टेरोकार्पेसी में आता है अपना साल, टीक और साल आता है ना, तो जो साल है वो आता है डायप्टेरोकार्पेसी में। तो यूकेलिप्टस और डायप्टेरोकार्पेसी इन दोनों में ही होता है एक्टोमाइक्रोराइजा, और जितने भी कॉनिफर्स हैं सब में ये एक्टो वाला मिलेगा। और रिमेनिंग जो 90% है हर्ब्स, जो भी प्लांट्स हैं 90% हर्ब्स और जो अपनी मतलब मेजोरिटी जो वुडी प्लांट है उसमें सब में होता है एंडोमाइक्रोराइजा, क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस है, ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का है। ठीक है, ये डिफरेंस जो है इसे थोड़ा याद रखें, जब भी आए इसका पिक्चर के साथ इसको डिफरेंस बना दे तो मार्क की चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि पिक्चर क्या है, जैसे ही सामने वाला कॉपी आपको दिखता है पिक्चर सीधी हाईलाइट होती है। आप अपनी कॉपी लिख, जब भी हम कॉपी लिखते हैं ना अपनी खुद की कॉपी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, दूसरे की पैसे दिए भी कोई नहीं पढ़ता है। अब माइकोराइजा जब हमने पढ़ लिया है तो अब हमारा एक पॉइंट बचता है कि हमें माइकोराइजा का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले मैं जैसे बता चुका हूँ चार इम्पोर्टेंस बेसिक है, रिमाइनिंग आपको नोट्स में थोके भाव में पड़े हुए हैं जितने भी हैं, कि जैसे एक प्लांट है इसकी जो रूट्स हैं इनके रूट जोन की एक लिमिटेशन है। तो माइकोराइजा जो फंजाई है वो इसका एक तो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा बेटर तरीके से वाटर को एब्जॉर्व कर पाएगा और मिनरल्स को एब्जॉर्व कर पाएगा। दूसरा, ये वैसे भी मिनरल्स को एब्जॉर्व कर लेता है जो पहले से अनअवेलेबल फॉर्म में है। जैसे अगर ये लो पीएच वाली सॉइल है तो लो पीएच वाली सॉइल में फॉस्फोरस तो फिक्स हो गया, लेकिन ये फंजाई फास्फोरस को खुद खोद के निकाल लेगा और वो अवेलेबल फॉर्म में करके इसे थाली में परोस के दे देगा किसी प्लांट को। तो प्लांट को भी ये मिनरल्स जो अनअवेलेबल थे वो भी अवेलेबल फॉर्म में मिलेंगे, प्लांट वहाँ पर सरवाइव कर जाएगा। इसका रिजल्ट क्या है कि ऐसी सॉइल जो एरिड है या ऐसी सॉइल जो एसिडिक या बेस है, जहाँ पर नॉर्मल प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, अगर प्लांट को ये जो माइकोराइजा का साथ मिल जाए, इसे माइकोराइजा जैसे दोस्त मिल जाए, तो वो जो विषम परिस्थितियां हैं बोलते जो हार्श कंडीशन है उसमें भी अपने आप को झेल लेता है। ठीक है, तीसरा इसमें है, इसके अलावा जैसे कि एक मैकेनिज्म है डिजीज रेजिस्टेंस, इस पे क्वेश्चन आ चुका है ये डिजीज रेजिस्टेंस है क्या। देखो ये प्लांट है, इसकी तो इतना तो है नहीं कि ये प्लांट इससे कनेक्टेड हो जाए, लेकिन जब कोई यहाँ पर इंसेक्ट या पेस्ट अटैक करता है जैसे यहाँ पर इन्हें किया, तो ये प्लांट में जनरेट होते हैं स्ट्रेस केमिकल्स, स्ट्रेस हार्मोन्स केमिकल्स, जिस पूरे प्लांट के मैकेनिज्म को ये बता देते हैं। जैसे आपको कभी बुखार होता है तो पूरे में WBC बढ़ जाती है, तो बुखार या कोई इन्फेक्शन हाथ में हुआ लेकिन पूरे शरीर में WBC पहुंच रहे हैं, मतलब पूरा बॉडी प्रिपेयर होती है। वैसे ही सेम थिंग यहाँ है, जब भी कहीं अटैक होता है पूरा प्लांट प्रिपेयर होता है कि भाई हम पे अटैक हो गया अब हमें बचना है, लेकिन जब ये केमिकल रिलीज होते हैं तो एक प्लांट दूसरे प्लांट को नहीं पहुंचा पाता है। तो ये जो फंजाई है बीच में एक टाइप से एक प्लांट से दूसरे प्लांट से तीसरे पूरी पूरी सॉइल में फैल रखा, तो ये पूरा जाल बना रखा है, तो एक प्लांट के केमिकल से भी जुड़ रखा है और ये उस केमिकल को दूसरे प्लांट तक पहुंचा देता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो दूसरा प्लांट है इसे पहले से पता होता है कि भाई पड़ोसी पर अटैक हो गया, तो जब इंसेक्ट इस पर अटैक करने आता है उससे पहले ये इस टाइप के केमिकल डेवलप कर लेता है, इस टाइप के एसिड जनरेट कर लेता है, को प्लांट जब इस पर अटैक करता है तो वो जनरली इसे एक लिमिट तक ही कर पाता है, उससे लिमिट तक ये नहीं कर पाता है, या फिर प्लांट को इसमें इंटरेस्ट नहीं आता खाने में क्योंकि तो कुछ टाइप के केमिकल जनरेट कर लेता है। तो ये जो मैकेनिज्म है प्लांट की वो दो टाइप की होती है, एक थ्रो सॉइल, दूसरा थ्रो एयर
एयर कैसे कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल रिलीज करता है। तो ये एयर यहाँ पर अपने फंजाई से रिलेटेड नहीं था, तो उसका कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। मैन मुद्दा यहाँ माइसिलियम का था, तो वो अपने यहाँ देख लिया। इसके अलावा नाइट्रोजन ग्रोथ हार्मोन का बता दिया, ये डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ओके। अब मुद्दा ये है कि जब आपको फंजाई माइकोराइजा इतना इम्पोर्टेंस है, इतना इम्पोर्टेंट है, तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि वाई अवर प्लांटेशन फेल्ड। जब भी हम प्लांटेशन वर्क करते हैं अक्सर हमारी फेल्ड हो जाती हैं, तो उनके सक्सेस होने के लिए क्या माइकोराइजा को यूज किया जा सकता है? बिल्कुल, माइकोराइजा एक टाइप से दमदार हथियार है आपके लिए, वीपन है। अगर उन्हें माइकोराइजा दे दिया तो वो सस्टेन हो जाते हैं। तो फिर इसे बोलते हैं हम इनोकुलेशन, यानी कि वहाँ इंट्रोड्यूस करना। तो इनोकुलेट कैसे करेंगे? एक तो क्या है कि जैसे ये साइट है जहाँ माइकोराइजा पहले से है, तो हम एक तो ये कर लेते हैं कि देखो फंजाई है, फंजाई की जो स्पोर है मेनली तो यही है, ये स्पोर को यहाँ से बीन बीन के ले आते हैं और नई सॉइल में छोड़ देंगे। तो नई सॉइल में स्पोर जर्मिनेट होंगे, मतलब वो हमें जो बेनिफिशियल वाला फंजाई है वो आ गया। लेकिन आपको पता है स्पोर इतने छोटे होते हैं तो वो करना पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा हम क्या लेते हैं, यहाँ से फंजाई के माइसिलियम को उखाड़ेंगे और माइसिलियम को लेके आ जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे वही बोला कि स्पोर ले जाना है या माइसिलियम को ले जाना है, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो लेवल के होते हैं। आप ग्लास लेके वो लेंस लेके थोड़ी ढूंढोगे ना। तो इसका एक सिंपल से दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि जब भी हम ये पूरा जो ओल्ड साइट है यहाँ से जो सीधी की सीधी मिट्टी उठाई और आ करके इस पूरे पूरे एरिया में छिड़क दी, ये सबसे कॉमन है क्योंकि सबसे आसान जाता है मिट्टी को उठा के यहाँ फेंक देना। तो ये आसान है, लेकिन इसके साथ इशू ये है कि हमें ये पता नहीं होता कि भाई हमने तो छिड़क दिया, क्या यहाँ माइसिलियम या स्पोर पहुंचे या नहीं पहुंचे। ये हमें थोड़ा लेट पता पड़ते हैं, जब इनके बीच में रिलेशन बनना शुरू हो जाते हैं, माइकोराइजा बनना शुरू हो जाता है, तभी बन गया तो मतलब सक्सेसफुल है, नहीं बन पाया तो फेल हो गया, या कन्फर्म नहीं हो पाता है। चौथा है इन्फेक्टेड टाइप के एरिया के जो प्लांट है या नर्सरी में जिन्हें उगाया वो नर्सरी वहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा देंगे। तो ये भी एक अच्छा है, इसमें चांसेस सीधे सीधे होते हैं कि इसमें होगा ही। लेकिन अब आपको पता है कि आज के मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में ये इतनी बकैती करने का किसी के पास टाइम नहीं है। तो क्या होता है, आर्टिफिशियल सीधे के सीधे ग्रो आते हैं, जैसे कि ये अपना जो अमेजन है उस पर 120 रुपये में एक पैकेट मिलता है वाम पाउडर, सीधा सीधा फंजाई है, मतलब उसके स्पोर है। बस कुछ नहीं करना होता है, इसको ओपन करो, फाड़ करके यहाँ पर ये जैसे प्लांट है इसकी जो रूट है वहाँ पर छोड़ दिया, सीधा सीधा वहाँ मॉइस्चर मिलेगी, फंजाई स्पोर जर्मिनेट होंगे और रूट के साथ बना लेंगे। इससे क्यों है? देखो पहला तो ये कन्फर्म हो गया क्योंकि आपने स्पोर डाला है, ये 100% है, वहाँ फंजाई गया, एक तो पहली बात तो ये है। दूसरा यहाँ पर अगर आपके पास 50 हेक्टर एरिया में प्लांटेशन कर रहे हो तो ये कहाँ कितनी सॉइल उठा के ले आओगे, जबकि इसे करना टेक्निकली इंडस्ट्रियलाइज पॉसिबल है, तो ये आसान जाता है। और पैसे कौन से गवर्नमेंट के लगते हैं, कौन सा DFO अपनी पॉकेट से भर रहा है। अब अपने जो लास्ट एक्सरसाइज है इससे माइकोराइजा से रिलेटेड जो है उसे देख लेते हैं, इसके बाद फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे, बायोफर्टिलाइजर पर। यहाँ पर पूछा था डिस्कस इन डिटेल द काइंड ऑफ माइकोराइजा और बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम देम। तो आपसे पूछा जाता है, तो आपको इंट्रो में क्या लिखना था कि माइकोराइजा की डेफिनेशन लिख देते कि माइकोराइजा है क्या, फिर उसके काइंड टाइप एक्टो एंडो और एक्टो एंडो, और तीसरा उससे बेनिफिट क्या ड्राइव्ड है, वो मैंने वो बोला क्या वो सरफेस एरिया, तो वाटर मिनरल्स हार्मोन्स अनअवेलेबल फॉर्म वाले जो मिनरल्स है वो भी है और डिजीज रेजिस्टेंस। तो इस टाइप के 5 पॉइंट अपने हो गए हैं। दूसरा यहाँ पर इसने दर पूछा डिफरेंस बिटवीन एक्टो एंडो के बीच में, डिफरेंस पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन, फिर डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। अब इसने बोला डिफरेंस बिटवीन एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजा विथ रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखो स्ट्रक्चर में क्या है, वही फंजाई वाला फंगल मेंटल और जो हर्टिंग नेट है वो वाला एक बहुत बड़ा फंक्शन है। दूसरा फंक्शन, तो फंक्शन में ये वैसा कोई वेरिएशन नहीं है, फंजाई फंजाई के ही तरह काम करेगा, बट फंक्शन मेन डिफरेंस क्या आ जाएगा उसमें, वो सेल के कॉन्टैक्ट में है, उसके फिलामेंट
सेल शेप के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है एक्टो में, जबकि एंडो में डायरेक्ट फिलामेंट जो है वो सेल के अंदर घुस गया है, उसके सेल शेप के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, और जो एक्सचेंज है मटेरियल का वो डायरेक्ट हो रहा है, ये उसके फंक्शन में वेरिएशन हो जाता है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये दो, इसके साथ ये है कि देखो ज़्यादातर लोग यही एक्टो एंडो पढ़ के जाएंगे और वो वही दो लिख के आएंगे, लेकिन टीचर को पता होता है कि ये तीन टाइप के होते हैं, वो एक्टो एंडो वाला नहीं लिखेंगे, भले ही वो नाम का है उसमें कुछ है नहीं लेकिन है टाइप। तो जब आप तीन लिखोगे आपका फर्क पड़ेगा। यहाँ पर फिर बाद में ये है कि हाउ एक्टो एंडो माइकोराइजा जो है वो बेनिफिशियल देते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज में, ठीक है। तो सॉइल बॉर्न डिजीज में क्या करेंगे, हाँ एक बात और जो भूल गया था मैं, कोई भी डिजीज जब अटैक करती है सॉइल बॉर्न में, तो एक तो क्या हो गया डिजीज रेजिस्टेंस में कैसे हुई कि एक प्लांट पे अटैक करेगी, जब डिजीज दूसरे बकाया के प्लांटों को पता हो गया तो वो पहले से रेजिस्टेंस डेवलप कर ली उन्होंने, पोलियो की तरह जैसे आपको डिजीज से पहले ही आपने उसके अपनी एंटीबॉडी बना ली, उस टाइप से प्लांट अपनी केमिकल सिंथेसाइज कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, सॉइल बॉर्न में जैसे कोई बैक्टीरिया है वो उसकी रूट पर अटैक करेगा, भाई रूट पे अटैक तो तब करेगा ना जब रूट उसके लिए अवेलेबल हो, पूरी रूट पे एक टाइप से कवर बना रखा है ये फंजाई ने, तो जगह ही नहीं दे रहा है रूट तक पहुंचने के लिए, तो चाहे वो कोई इंसेक्ट हो चाहे कोई बैक्टीरिया हो या नेमेटोड हो, वो रूट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो सॉइल बॉर्न डिजीज को सीधे सीधे प्रोटेक्शन दे रहा है ना। ओके, अब अपना यहाँ पर खत्म हो जाता है ये माइकोराइजा वाला, अपना दूसरा इशू शुरू होता है बायो फर्टिलाइजर। तो पहले समझते हैं देखो फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब प्रोडक्शन, तो फर्टिलाइजर मतलब ऐसे केमिकल्स जो अपनी कोई भी क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्शन को प्रमोट करते हो, प्रोडक्शन बढ़ाते हो। बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग, या तो ये जो है या तो जैसे कोई लिविंग है, सपोज ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो या तो डायरेक्ट बैक्टीरिया है या इस बैक्टीरिया से डिराइव्ड कोई केमिकल्स है, ये केमिकल्स है, तो या तो ये बैक्टीरिया है या ये बैक्टीरिया से डिराइव्ड केमिकल्स, इन दोनों को ही यूज किया जा रहा है एज ए फर्टिलाइजर, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट के प्रमोशन के लिए, उसे बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है, डेफिनेशन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये है क्या। अब बायो फर्टिलाइजर में हम जनरली यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं देखो बायो फर्टिलाइजर में एक तो माइकोराइजा जो है, माइकोराइजा को भी यूज किया जाता है एज ए बायो फर्टिलाइजर से माइकोराइजा, लेकिन माइकोराइजा के कंपेयर में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो किया जाता है बैक्टीरिया को। ऐसा क्यों है, क्योंकि ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो माइकोराइजा फंजाई है वो तो हमेशा अक्सर मिल ही जाता है सॉइल में, तो प्लांट को फंजाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो ऐसी सॉइल है जहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वहां पर क्या करें, माइकोराइजा फंजाई, वो जो फंजाई है वो कुछ फंजाई है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर देती है लेकिन ज्यादातर नहीं करती, तो नाइट्रोजन का क्या किया जाए, जो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनको हम उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर मेनली जो हम टर्म यूज करते हैं जब भी दिमाग में आएगा वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल बैक्टीरिया हो, फंजाई भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी वही एक टाइप का है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, देखो माइकोराइजा में हमने बोला था कि ये है एक सिम्बायोटिक रिलेशन जिसमें दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है, जबकि बैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो सिम्बायोटिक हो भी सकता है और नहीं भी, यहाँ बैक्टीरिया प्लांट से कुछ बेनिफिट ले भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो अब बायो फर्टिलाइजर के हम जनरली दो टाइप से बांट लेते हैं, दो तीन टाइप है। पहला एक जो बेस था जो अपना था कि सिम्बायोटिक है या फ्री लिविंग है, दूसरा ये देख सकते हैं कि जो हम बायो फर्टिलाइजर दे रहा है वो किस लिए दे रहा है, वो पर्पज हमारा नाइट्रोजन डेफिसिट वाला इशू है, ये ऐसी सॉइल है जहाँ एसिडिक सॉइल है जहाँ फास्फोरस फिक्स हो रखा है तो फास्फोरस को मोबिलाइज करना उसके लिए हम दे रहे हैं, या फिर हम अदर जो ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि अपने कॉनिफर्स फॉरेस्ट है वहाँ पर वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऊपर डिपॉजिट होता रहता है, वो जब ऑर्गेनिक मैटर ऐसी पड़ा है वो ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं हुआ तो प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पर कुछ टाइप के ऑर्गेनिज छोड़ रहा है जो उस ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन को बढ़ा के ह्यूमस क्रिएट करें
जो प्लांट को कुछ बेनिफिशियल हो। तो इस टाइप का हम जो दे रहे हैं डिकम्पोजर जो ले रहा है वो भी बायो फर्टिलाइजर होगा, ठीक है। अब ये फॉस्फोरस को कर रहा है, नाइट्रोजन को कर रहा है या डिकम्पोजर कर रहा है, ये तो तीन ऑब्जेक्टिव होगा। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, चाहे ये फंजाई भी हो सकते हैं या कोई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या कोई थर्ड थिंग और भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम यही दो यूज करते हैं। नाइट्रोजन के नाम पे हम जनरली दो बैक्टीरिया यूज करते हैं, एक होता है लेग्यूमिनस प्लांट। मेजोरिटी जो अपने लेग्यूम्स वाले प्लांट हैं उनमें राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो इसके रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में चला जाता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लेकिन ये है सिम्बायोटिक वाला जो सॉइल के अंदर है, सॉइल वाला है जो प्लांट के अंदर घुस जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सॉइल में ना होकर के एयर में होते हैं और ये फ्री लिविंग है, ये किसी प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं बनाते हैं बट नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एयर में रहते हैं वहीं पे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और वो नाइट्रोजन को ऊपर से टपका देते हैं तो जो खेत में नीचे गिरेगी तो उसे प्लांट एब्जॉर्व कर लेगा। इसे आप ऐसे ही समझो, इतने में काम हो जाता है आपका। इसमें कौन सा है, जैसे बैक्टीरिया कौन सा है, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और एजोला। एजोला जो है ये एक प्लांट है, एजोला, ठीक है। इसे एजोला जो राइस फील्ड है चावल के उनमें इस प्लांट को ग्रो कर दिया जाता है। इसकी लीफ जो है उस लीफ में एक बैक्टीरिया रहता है, इसे बोलते हैं एनाबीना एजोली, एनाबीना एजोली। ये जो बैक्टीरिया है, ये प्लांट का नाम क्या है, ये प्लांट का नाम है एजोला। इसकी लीफ में है एनाबीना एजोली। ये एनाबीना एजोली करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी तो वो कहाँ जाएगी, उसी राइस के फील्ड में, क्योंकि एजोला को हमने चावल के साथ उगा दिया। तो चावल के फील्ड में अक्सर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और ये एजोली जो है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरी करेगी। तो इस टाइप से ये सिम्बायोटिक तो नहीं है, मैंने अपने प्लांट्स है किससे, राइस से, ठीक। हालांकि एजोला सिम्बायोटिक किसके साथ हो जाता है, एनाबीना एजोला, जो एजोला है वो एनाबीना एजोली के साथ सिम्बायोटिक है। कुछ और भी हैं नोस्टॉक जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है जो इस टाइप के हैं। ये किसके साथ यहाँ बोल दिया, ऐसे जो लेग्यूम्स के साथ नहीं है, अदर सीरियल्स के साथ है, जबकि लेग्यूम्स के साथ मेनली होता है राइजोबियम, ठीक है। अदर के साथ भी जैसे कुछ फॉस्फोरस के साथ है, कुछ ये जो अपने ऑर्गेनिक मैटर के साथ है ये है। इनके साथ कुछ याद नहीं रखना, एक अगेरिकस याद रख लो यहाँ पर, और यहाँ पर अपना बेसिलस है, ये देखो वैम माइकोराइजा यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ घुस गया। अब जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसे याद रखो, इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स इनके साथ तो रहता है राइजोबियम, लेकिन दो प्लांट और हैं, एक है अपना कैजोराइना, दूसरा आता है एलनस। एक कैजोराइना वाला रिटन में भी पूछा जाता है और एमसीक्यू वालों को डर आता है। तो कैजुराइना और जो एलनस है, इन दोनों में फ्रेंकिया के नाम से एक बैक्टीरिया होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कौन सा, फ्रेंकिया। ये कम से कम कर पूछा गया, 10-15 बार पूछा जा चुका है। कैजुराइना और एलनस में होता है फ्रेंकिया, और जो लेग्यूम्स होता है उसमें होता है राइजोबियम। अब आपको समझ में आया कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन वाला इशू है, फास्फोरस वाला इशू है, ऑर्गेनिक मैटर वाला इशू है, इनको सॉल्व करना है। एक मुद्दा कभी कभी आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जनरल न्यूज में आता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि हम कोई प्लांट्स है उसे कोई केमिकल मिनरल्स या केमिकली फर्टिलाइजर नहीं दे रहा है, जैसे डीएपी यूरिया जैसी चीजें नहीं दे रहा है, हम उसे ऑर्गेनिक मटेरियल दे रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा था मल्चिंग जो कर रहे थे, तो जो मल्च है वो भी मल्च दे देना प्लांट को, जिससे उसे जो ऑर्गेनिक मिनरल्स चाहिए वो सीधे सीधे दे रहा है। बस ये है कि यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, तो जब उनका ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं तो जो मिनरल्स हैं जो बॉन्ड फॉर्म में थे वो फ्री फॉर्म में आ जाते हैं और उन्हें प्लांट सीधा सीधा एब्जॉर्व करता है। दूसरा, आपने कभी सुना होगा फार्म यार्ड मैन्योर, जो जो अपने एनिमल का जो है निकलता है फार्म से, कचरा घर का कचरा वो FYM में आ जाता है, मल्च हो गया। तीसरा, अपने ये जो बायो फर्टिलाइजर हैं ये आ गए, ये सब क्या है जो प्लांट को देते हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आ जाते हैं। एक कभी कभी आता है कि हमें अपने इकोसिस्टम को है वो सस्टेन करना है,
तो जो बायो फर्टिलाइजर का इम्पोर्टेंस ये तो हो ही गया, इसके अलावा क्या हो जाता है, बायो फर्टिलाइजर एक टाइप से ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करते हैं, ये हमारी सिस्टम को, इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाते हैं, क्योंकि जो अपने केमिकल हैं यूरिया डीएपी, इनके साथ क्या होता है कि प्लांट को जैसे कोई दो तीन केमिकल तेजी से दे दिए तो प्लांट तेजी से तो ग्रोथ करता है, लेकिन बकाया के 17 जो मिनरल्स हैं उसमें अगर 3-4 मिल गए, बकाया 11-12 नहीं मिलेंगे तो प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं करता, फिर उसकी प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं होती है। इसका रिजल्ट होता है कि कोई भी इंसेक्ट पेस्ट आसानी से आता है और उन पर अटैक कर देता है और वो निकल लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट होता है हमें पेस्टिसाइड छिड़कने पड़ते हैं और फिर उससे हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, दूसरा वो केमिकल हो गए तो हमारी फूड चेन में आ जाते हैं। तो इस टाइप से ये इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाते हैं और हमारे जो इनपुट कॉस्ट है वो भी रिड्यूस करते हैं। ओके, तो अपने दो पॉइंट हो चुके हैं, एक था अपना माइकोराइजा वाला और दूसरा था बायो फर्टिलाइजर वाला। अब एक थर्ड पॉइंट अपना बता था, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। जस्ट बेसिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है जैसे कि एक तो नॉन बायोलॉजिकल है और दूसरा बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल कैसे, कि जैसे आसमान में बिजली गजरी, वो गर्जी जो है अपना थंडर स्टॉर्म आया तो क्या हुआ, जो एकदम लाइट की तड़क धड़क हुई तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन था, ये जो फ्री फॉर्म में था, N2 में था, मतलब दो ही N थे, वो आपस में जुड़ के अदर केमिकल के साथ जुड़ करके, ये मतलब नाइट्रोजन एक्चुअली फ्री फॉर्म में था जैसे, तो N2 में आ गया। अब N2 में एक बार हो गया तो वो फिर सॉइल में नीचे आ जाता है। तो इस टाइप से जो नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन है वो इसकी वजह से हो जाता है, बिजली गरजने से, या फिर जो अपनी लाइट है, जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के जो लाइन है इनमें स्पार्किंग हो जाती है, उनमें भी ये हो जाती है। कभी फॉरेस्ट फायर हो रही तो उसमें भी जो फायर है, हीट है, वहाँ पर भी ये नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। दूसरा बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में आता है सिम्बायोटिक और नॉन फ्री नॉन सिम्बायोटिक, जिसमें अपने बीजी एजोटिव वेक्टर को पढ़ा था, और इसमें ये नोड्यूल फॉर्मिंग जो होते हैं वो सिम्बायोटिक, जिसमें अपना एक तो होता है राइजोबियम, राइजोबियम किसमें करता है लेग्यूम में, और फ्रेंकिया किसमें करता है, फ्रेंकिया करता है कैचुराइना में और एलनस में। ठीक है, अब अपना ये जो है वो जो नोड्यूल फॉर्मिंग है उसका एक पिक्चर है, नोड्यूल फॉर्मिंग राइजोबियम का, कि प्लांट जो है उसमें यहाँ नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। वो होता कैसा, शुरुआत वही होता है कि जब प्लांट कहीं अपन लगा देते हैं, जैसे ये मटर का है, लेग्यूम से पी मटर, तो होता क्या कि बैक्टीरिया जो सॉइल में है ये जैसे इस रूट के कॉन्टैक्ट में आता है तो एक्चुअली रूट कुछ केमिकल रिलीज करती है और ये बैक्टीरिया कुछ केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल रूट के जब बैक्टीरिया पर पहुँचते हैं तो बैक्टीरिया को समझ में आ जाता है कि अपना बुलाने वाला आ गया, तो फिर बैक्टीरिया एक केमिकल निकालता है और उसमें कुछ हार्मोन होते हैं, तो वो जब रूट को मिलते हैं तो जिस साइड हार्मोन ज़्यादा होंगे यानी कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, रूट उधर को ही तेजी से ग्रोथ करती हैं, तो वो बैक्टीरिया को अपने कब्जे में ले लेती हैं और धीरे धीरे करके बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाता है, सेल के अंदर, जैसे ये सेल थी उसके अंदर ये पूरा पूरा बैक्टीरिया हो रखा है, तो ये टाइप से उसके अंदर आ चुका है। बैक्टीरिया की जो रिक्वायरमेंट थी वो प्लांट देगा और बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन सिंथेसिस, मतलब प्लांट को, इस टाइप से सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया लेग्यूम्स में, राइजोबियम। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड राइजोबियम इन एमिलियरेशन ऑफ फॉरेस्ट सॉइल। देखो एमिलियरेशन ऑफ फॉरेस्ट सॉइल का मतलब है कि फॉरेस्ट सॉइल के साथ क्या इशू हो सकता है, कि ये एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है, बेसिक या है अनफर्टाइल हो सकती है। ठीक है, तो ये एसिडिक है, बेसिक है, अनफर्टाइल है, इसको फर्टाइल में कन्वर्ट करना है या नॉर्मल सॉइल में करना है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे या राइजोबियम क्या करेगा, अनफर्टाइल में नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा, या जो एसिडिक है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिड को जो बेस केमिकल रिलीज कर रहे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी वो सॉइल की एसिडिटी को धीरे धीरे कम करेंगे, या एसिडिक केमिकल जो फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो बेसिक सॉइल में को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इस टाइप से सॉइल न्यूट्रल टाइप की हो जाएगी। तो ये से करें। अब तीसरा अपना लास्ट पार्ट है वो है सॉइल न्यूट्रिएंट, जो चैप्टर फोर्थ का मेन लास्ट वाला पार्ट है। तो पहले आपको समझ में आएगा कि ये इसेंशियल एलिमेंट्स होते क्या है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आया है, तो इसे एक बार देख लेते हैं। देखो कोई भी प्लांट होता है, जैसे आप हैं, आपको कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है,
ऐसे बेसिकली प्लांट्स को 17 टाइप के मिनरल्स की जरूरत होती है, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स, एमसीक्यू वाले याद रखें कि ये 17 है, ठीक है, जो इसकी प्रॉपर प्रोग्रेस के लिए रिक्वायर है। अब कितने एक्चुअल में, पहले तो यही बकैदी चलती रही कि प्लांट को मिनरल्स चाहिए या नहीं चाहिए, कि मिनरल्स को जो चाहिए वो कहाँ से लेता है, जमीन से लेता है, हवा से लेता है या नहीं लेता है। तो ये चलता रहा पहले से, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बॉटनी वाले इसे समझते हैं, अपने कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है इसका स्टडी करने का कोई। बाद में धीरे धीरे ये स्टेबलाइज हो जाता है कि हाँ प्लांट जो है वो सॉइल से कुछ टाइप के मिनरल्स लेता है। तो अब वो कौन से मिनरल्स लेता है और क्यों लेता है, और लेता है तो क्यों लेता है, तो ये चीजें चलती रहेंगी। तो इसके लिए एक आर्नॉन के नाम का एक साइंटिस्ट है, कौन है, आर्नॉन, इसने, आर्नॉन ने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया, ठीक है। इसने क्या बोला कि हम तभी किसी मिनरल्स को मानेंगे कि हाँ ये मिनरल्स है और इसे प्लांट को रिक्वायरमेंट है, वो कब मानेंगे कि प्लांट जब उसे एब्जॉर्ब करता है, अगर प्लांट एब्जॉर्ब ना करे तो उसमें कोई स्पेसिफिक टाइप की डेफिशिएंसी सिम्टम क्रिएट हो जाए, मतलब वो जो मिनरल्स है वो प्लांट के लिए कंपलसरी है, रिक्वायर्ड, अगर वो नहीं है तो प्लांट अपनी जो मैकेनिज्म है या प्लांट की जो लाइफ है वो पूरी सही तरीके से नहीं कर पाएगा, उसमें किसी टाइप का डिजीज क्रिएट हो जाएगी। दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अगर कम हो गया तो दूसरे से किसी ने भरपाई कर दी, मतलब एक कभी कभी ऐसा होता है कि एक मिनरल्स की अगर कहीं कमी है तो दूसरा मिनरल्स उसके फंक्शन को अडॉप्ट कर लेता है, ऐसा होता है, बॉटनी वाले इसे बाद में पढ़ते हैं, लेकिन इतने आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, उसके एब्जॉर्प्शन पैटर्न में वेरिएशन आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी कमी है वो कमी है, ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन नहीं तो बर्फी पे काम चला लेंगे शादी में, तो वो जिसकी जरूरत है वो है, उसे वो चाहिए ही, ठीक है। इसके तीन क्राइटेरिया है जिसे आप नोट्स में पढ़ लेंगे, द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट मेक इट इम्पॉसिबल फॉर प्लांट टू कंप्लीट द वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ इट्स लाइफ, फर्स्ट। दूसरा, डेफिशिएंसी इज स्पेसिफिक टू द एलिमेंट इन क्वेश्चन एंड एज सच कैन बी प्रिवेंटेड एंड करेक्टेड ओनली बाय सप्लाइंग दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, उसे किसी दूसरे से नहीं दी जा सकती, वो उसी से ही कंप्लीट होगी जब वो मिलेगा। तो इस बेस पे, ये तीन क्राइटेरिया या तीन पिलर के बेस पे या तीन छन्नी लेके जब आर्नोन बैठे थे, तो इन्होंने बोला कि ऐसे 16 टाइप के मिनरल्स होते हैं जिन्हें प्लांट को रिक्वायर होता है। तो आर्नोन के टाइम पे 16 इसेंशियल एलिमेंट्स थे, 16 को ही तब से मानते रहे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इसमें एक एलिमेंट और जोड़ दिया गया, वो था निकल। तो निकल को जोड़ करके अब हो गए 17। तो जब आप एमसीक्यू टाइप के एग्जाम दोगे तो उसमें देख लेना, अगर 17 है तो 17 ही लगाओगे, अगर ऑप्शन में 17 नहीं है तो आप 16 लगाओगे, क्योंकि उस जो पेपर सेट जिसने किया उसने 16 ही पढ़ के पुरानी पुराने नोट से काम चला रहा है अभी तक। अब जब ये जो न्यूट्रिएंट है जो 16 या 17 है, वो आपको पता है कि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट बिल्कुल बराबर तो नहीं हो सकती है, कुछ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो इस टाइप से हम न्यूट्रिएंट को दो टाइप में डिवाइडेड कर लेते हैं ना, एक जिनकी ज़्यादा होती है इन्हें बोलते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट, और दूसरे जिनकी कम ज़रूरत होती है उन्हें बोलते हैं माइक्रो, ठीक। इस टाइप से दो टाइप में डिवाइडेड कर लिया। अब कौन मैक्रो है कौन माइक्रो है इन्हें थोड़ा एक बार देख लेना, एमसीक्यू वालों को बिल्कुल देखना है, लेकिन जो रिटर्न लिख रहा है वो जस्ट एक रिव्यू कर ले, क्योंकि कभी कभी कोट करने के काम में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि जैसे इसी में आएगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एनपीके, तो क्या प्लांट जो है वो सीधा नाइट्रोजन लेता है, नाइट्रोजन होता तो फिर वो सॉइल वाली जरूरत ही नहीं थी, वो तो सीधा एटमोसफेयर से ले लेता, क्या सीधा प्लांट ऑक्सीजन ले लेता है, या केवल हाइड्रोजन लेता है, या कार्बन सीधे सॉलिड फॉर्म में लेता है, मतलब जो हम ब्लैक कार्बन होता है अगर पेड़ को पकड़ा दें तो एक प्लांट सीधा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को वो डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं करता, वो उसके एक स्पेसिफिक केमिकल फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करेगा, जो आपके नोट्स के पीछे एक टेबल बन रखी हुई।
आपको किसी को याद नहीं रखना है कि कौन सा किस फॉर्म में करता है, बस आपको एक याद रख लेना है, वो है फास्फोरस। फास्फोरस जनरली H2PPO4 वन निगेटिव होगा या HPO4 2 निगेटिव, या HPO4 या डायरेक्ट सेम केवल होगा PO4 3 निगेटिव। तो ये इस टाइप के आयनिक फॉर्म में ही ऑब्जर्व करता है। तो एक आपको जो जनरली एमसीक्यू वाले हैं उन्हें एक तो फास्फोरस का याद रखना होता है, दूसरा बोरोन का याद रखना होता है, ठीक है, और तीसरा अपना नाइट्रोजन का याद रखना होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बाद में देख लेंगे, और बकाया का यहाँ कोई देखने की जरूरत नहीं है, किससे मिलता है क्या मिलता है कोई बकैती है कोई पर्पज नहीं अपना। मेन मुद्दा होता है ये न्यूट्रिएंट के रोल क्या है, ये इम्पोर्टेंस क्या है। देखो प्लांट की जो पूरी बॉडी है वो ये 16 से 17 न्यूट्रिएंट से ही मिलके बनी है, एलिमेंट से ही मिलके बनी है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज किससे मिला, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। प्रोटीन किससे मिली है, एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी है। एटीपी जो एनर्जी होती है उसमें फास्फोरस होता है। तो इस टाइप की जो दुनिया भर के जो बॉडी स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट है, जो बायोमोलिकुलर कंपोनेंट है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब इन्हीं से मिलकर बने हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। क्लोरोफिल क्या है, एक प्रोटीन है, वो किससे बन गया, CHO और नाइट्रोजन, ठीक है। ATP जो एनर्जी ट्रांसलोकेट करती है वो भी इसी इसी का मुद्दा चल रहा है वहां पर। कोई भी एंजाइम होता है जो प्लांट दुनिया भर की रिएक्शन करते हैं वो एंजाइम के थ्रू करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स जो हैं जैसे कि मोलिब्डेनम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कंपलसरी है। आयरन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है, अगर आयरन नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा। मैग्नीशियम है जो फोटोसिंथेसिस में वाटर का जो हाइड्रोलाइसिस होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जो टूटता है उसके लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है, अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो वाटर का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा। तो कुछ तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है कुछ इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, इस टाइप से ये 17 एलिमेंट इन्वॉल्व है, ये इनका रोल है। यहाँ पर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है 13 में आया था, व्हाट आर द सोर्स एंड नेचर ऑफ एलिमेंट कंसीडर्ड एज एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर आपको पहले तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं वो समझा देना था, मतलब डेफिनेशन इंट्रो वाली पार्ट में। कितने टाइप के हैं, 17, बस फ्लो में बता दो, माइक्रो और माइक्रो मैक्रो और माइक्रो। अब इसमें मुद्दा था सोर्स क्या है, ठीक है, तो सोर्स क्या है, जनरली जो है वो हमारी सॉइल ही है। कुछ के लिए हम एयर से ले लेते हैं, जैसे कि एयर से जो ऑक्सीजन वगैरह है वो हम जनरली एयर से एब्जॉर्ब हुई, यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन का, जैसे वाटर है वो प्लांट के अंदर ही जब हाइड्रोलाइज होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट होती है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं वो वहीं से आ जाती है बहुत सारी। तो इस टाइप का बेसिक तो हमारा सॉइल ही है, तो वहीं से आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर अपना ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम अगले 3 चैप्टर 5 6 7 को निपटा लेंगे।